कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डीपीसी रवि शर्मा में। और प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं आपका जो ट्वेल्थ है, ट्वेल्थ का जो फर्स्ट चैप्टर है वहां से, और आपको सारे वीडियो यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट जो चैप्टर है उसको हम कंप्लीट करेंगे आज पूरे चैप्टर को, और डिस्कस करते हैं। तो पहला जो आपके पास जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं, और जो आपका फर्स्ट फिजिक्स है, फर्स्ट फिजिक्स में आप पढ़ते हैं विद्युत की। क्या पढ़ते हैं बेटा? विद्युत की, विद्युत की जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा इसको? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी में मुख्यतः अगर देखा जाए तो विद्युत की जो है उसके तीन भाग है बेटा। स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है जी। दूसरा आपके पास है धारा विद्युत, धारा विद्युत जिसमें जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। और लास्ट आपके पास थर्ड जो पार्ट है इसका वो आ जाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव या विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, ठीक है जी। हम तो पहले पार्ट का डिस्कशन करेंगे, ज्यादा इसकी गहराई में नहीं जाएंगे। पहला पार्ट है आपका स्थिर वैद्युत की, और स्थिर वैद्युत की में आवेश को हम पढ़ने वाले हैं, और आवेश जो है वो किस अवस्था में रहता है। इस पार्ट में आवेश स्थिर अवस्था में रहता है। आवेश किस अवस्था में रहता है बेटा? आवेश स्थिर अवस्था में रहता है। तो आवेश जब स्थिर अवस्था में रहता है तो एक ही क्षेत्र उत्पन्न करता है, उस क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं बेटा? विद्युत क्षेत्र। तो आवेश जो क्षेत्र उत्पन्न करता है उस क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। आवेश स्थिर अवस्था में रहेगा तो एक ही क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उस क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम जो आवेशों का अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि आवेश जो है, आवेशों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और दूसरा हम ये देखेंगे कि आवेश की गुणधर्म क्या है, आवेश कैसे कैसे गुण रखता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो आपके चैप्टर का नाम ही यही है कि अगर चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का नाम है आपके पास आवेश और विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आवेशों की, आवेशों की उत्पत्ति की, ठीक है। तो सबसे पहले हम आवेशों की उत्पत्ति, आवेश चार्ज, चार्ज की बात कर लेते हैं। तो जो आवेश है आपका उसकी खोज, पहले खोज देखते हैं। तो भाई सबसे पहले एक थेल्स नामक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम था थेल्स, जिसने देखा कि कोई भी दो वस्तुएं हैं उनको आपस में घर्षण करवाते हैं तो घर्षण से गुण उत्पन्न हो जाता है, जिससे वो वस्तु उसमें एक विशेष गुण आ जाता है, जिससे वो छोटे छोटे जो पदार्थ हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। और आकर्षण का ये गुण ही थेल्स ने ये थ्योरी दी कि दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो एक विशेष गुण आ जाता है, घर्षण कराते हैं, फ्रैक्शन कराते हैं, रबिंग होती है, तो एक अलग सा नेचर आ जाता है उस पदार्थ पर। उस नेचर को आगे जाके बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, उससे पहले थेल्स के बाद गिलबर्ट ने आगे एक्सप्लेन किया कि कोई विशेष पदार्थ नहीं है, बहुत ऐसे पदार्थ है, गिलबर्ट ने बताया कि जिन पर घर्षण के द्वारा आवेश उत्पन्न हो जाता है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फिर बताया कि आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से इसकी थ्योरी बनी। तो सबसे पहले हम दैनिक जीवन पे लेके चलते हैं आवेश को। तो दैनिक जीवन में कुछ घटनाएं देखी गई और महसूस किया कि ये क्या है। जब सूखे बालों में कंघी करते हैं तो कंघी करते समय देखा गया कि चट चट की कुछ आवाज आ रही थी। जो चट चट की आवाज आ रही थी कंघी के साथ, जब बालों को कंघी कर रहे थे सूखे बालों में, तो देखा गया कि ये क्या हो रहा है। दूसरा अगर अपन देखें तो दूसरा एक और एग्जाम्पल यहाँ पे आता है कि जब हम इस जो आपका ये मार्कर है, इससे कुछ भी एक तरह का आपके पास देखें तो एक पदार्थ है,
और इस पदार्थ से हम कुछ भी लिखते हैं तो वो इस ब्लैक बोर्ड इस व्हाइट बोर्ड पे इजीली लिखा जा रहा है। इसका मतलब इसके जो पार्टिकल है इस मार्कर के वो इसके चिपक गए, जबकि नेचुरल फोर्स जो आपका है गुरुत्वाकर्षण, उसके गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये जो लिखे हुए जो पार्टिकल इसके चिपक रहे हैं ये नीचे गिर जाने चाहिए थे लेकिन नीचे नहीं गिर रहे। इसका मतलब कोई ना कोई एक ऐसा बल है जो इनको पकड़े हुए है। और एग्जांपल देखें तो जैसे हम छत के ऊपर पेंट करते हैं तो पेंट भी छत पर चिपक जाता है ना। दीपावली के टाइम पे अब सब करेंगे पेंट, तो पेंट करते तो हम देखते हैं दीवारों के जो पेंट है वो चिपक जाता है, नीचे नहीं गिरता। तो गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी तो ये कहती है कि वो नीचे गिर जाना चाहिए था गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, फिर उनपे बल कोई और लग रहा है जिसकी वजह से वो उस पर चिपक रहे हैं। उसी बल को बोला गया विद्युत चुंबकीय बल। क्या नाम दिया गया उसको? विद्युत चुंबकीय बल। और एक और एग्जांपल हम देखें तो हमने कोई भी हमारे पास प्लास्टिक की रोड थी, छड़ है, उसको किसी बोलन से हम फ्रिक्शन करवाते हैं या अंबर को बिल्ली की खाल से फ्रिक्शन करवाते हैं, तो उस टाइम देखा गया कि प्लास्टिक की रोड पर एक विशेष तरह का एक नेचर आ गया था जिससे वो कागज के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनको अट्रैक्ट कर रहा था। और ऐसा दैनिक जीवन में हम बहुत बार देखते हैं, जब कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रहा था तो इसका मतलब ये होना चाहिए था वहां पे कि भाई गुरुत्वाकर्षण जो है उसके अनुसार तो ये है कि वो कागज के टुकड़े नीचे गिरने चाहिए लेकिन इसके चिपक जाते हैं, चिपक गए नीचे नहीं गिर रहे। इसका मतलब ये जो बल लग रहा है ये गुरुत्वाकर्षण से स्ट्रांग है, प्रबल बल है, प्रबल है नीचे इसीलिए नहीं गिर रहा है जी। उसको नाम दिया गया विद्युत बल। और जो ये इसके ऊपर जो बिहेवियर आया जो नेचर आया उस नेचर को उस गुण को उस व्यवहार को बोला गया आवेश। ठीक है, तो इस तरह से आवेश की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? थेल्स ने। बहुत सारे थेल्स ने प्रयोग किए, हम हिस्ट्री पे नहीं जाएंगे। थेल्स ने पतंग को भेजा था जब बादलों के बीच चमक उत्पन्न हो रही थी, जिसको आज हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, बिजली बोलते हैं, है जी, बादलों के बीच में बारिश के टाइम पे, तो उसने पतंग भेजी थी कि क्या है, उस टाइम वो नहीं जानता था थेल्स। फिर इसकी थ्योरी रखी गई, काफी साल तक रखी गई, 2200 साल तक बताते हैं इसकी थ्योरी रखी गई थेल्स की, कोई इस पर नहीं। फिर उसके बाद गिलबर्ट वैज्ञानिक आए, उन्होंने इसकी थ्योरी को आगे बढ़ाया, तो उन्होंने बताया कि जो थेल्स बता रहे थे कि किसी एक ही पर्टिकुलर कोई धातु है या अपन कह सकते हैं कोई भी पदार्थ है उसी पे ये गुण आता है घर्षण से, ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जिनको घर्षण करवाते हैं तो उनके नेचर में परिवर्तन होता है। फिर उसके बाद आए बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन फिर आवेश को आगे खोज करते हैं और फिर बताते हैं कि आवेश के जो है कितने टाइप्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें तो जो आवेश की खोज है थेल्स से शुरू हुई, गिलबर्ट पर पहुंची, है जी। थेल्स ने जनरली बात की कि एक विशेष गुण आ जाता है पदार्थ पर, क्या आ जाता है बेटा? एक पदार्थ पर विशेष गुण आ जाता है, एक अलग तरह का नेचर आ जाता है, उस विशेष गुण को ही फिर आगे जाके आवेश बोलेंगे। फिर गिलबर्ट ने देखा कि वो पदार्थ अकेला नहीं है, और भी बहुत सारे पदार्थ हैं, तो ये गुण बहुत सारे पदार्थ रखते हैं। गिलबर्ट ने ऐसा बताया कि बहुत सारे पदार्थ हैं जिन पर घर्षण की वजह से एक विशेष गुण आ जाता है, उसको उस घर्षण की वजह से जो विशेष गुण आया है उसको आगे जाके फिर आवेश नाम दिया। और फिर लास्ट में आ जाते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये आगे बताएंगे। कि आवेश कितने टाइप के हैं। तो भाई आया हुआ जो विशेष गुण है जिसको हमने आवेश बोला, तो इसका मतलब आवेश की अगर हम परिभाषा देखें तो आवेश की परिभाषा क्या होगी? आवेश की परिभाषा की बात करें, रटना नहीं है मेरी, जो मुझे जानते हैं वो ये समझते हैं कि मैं किसी परिभाषा को रटने की सलाह नहीं देता। समझने की कोशिश करो, फील करने की कोशिश करो। तो आवेश जो है चार्ज जिसको हम बोल रहे हैं इसकी परिभाषा क्या हुई सर? तो हम परिभाषा की बात कर लेते हैं। परिभाषा होगी किसी या किन्हीं दो पदार्थों को आपस में घर्षण करवाने से उन पदार्थों पर एक विशेष गुण आ जाता है जिससे वो
धूल के छोटे कणों को या कागज के छोटे टुकड़ों को क्या करने लगता है, अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। आकर्षण का ये गुण जो है वो ही कहलाता है घर्षण से आकर्षण होता है। घर्षण से इनके अंदर क्या आ जाता है बेटा, आकर्षण का गुण आ जाता है। आकर्षण का जो ये गुण आया है, आकर्षण का ये गुण ही क्या कहलाता है, आवेश या चार्ज। रक्षण से रबिंग से रबिंग कराते हैं तो जो अलग सा नेचर आया है जिससे वो स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं उनको अट्रैक्ट करने लगता है। अट्रैक्ट करने का ये जो नेचर आया है उस नेचर को ही हम बोलते हैं चार्ज, आवेश। ठीक है, फिर आ जाते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन पे। तो इस तरह से आवेश की पहली उत्पत्ति किसकी वजह से हुई, पहली उत्पत्ति घर्षण की वजह से हुई, फ्रैक्शन की वजह से। फ्रैक्शन की वजह से देखा गया कि एक विशेष गुण पदार्थों पे आ जाता है। फिर देखा गया कि जो ये विशेष गुण आया जिसको हमने आवेश बोला है, तो आवेश अकेला है या फिर उसके और भी प्रकार हैं। तो फिर आगे की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा के बताया, तो अपन थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं। तो उसने कोई भी दो रोड ली और किसी दृढ़ आधार से धागे से उन रोड्स को इस तरह से दो उन्होंने रोड ले ली, ठीक है जी, धागे के थ्रू इन दोनों रोड्स को उन्होंने इस तरह से स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया, फ्रीली ये यहां पर लटकी हुई। ठीक है, अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत इंटरेस्टिंग ये एक्सपेरिमेंट किया और उसने देखा ये लेट अस कंसीडर आपकी प्लास्टिक की रोड है। कैसी रोड है ये, प्लास्टिक की, ठीक है, और ये हम ले लेते हैं कांच की। किसकी ले लेते हैं बेटा, कांच की, ठीक है। दोनों रोड्स को रबिंग करा के और यहां पे लटका दिया। लटकाने से हुआ क्या, इन दोनों रोड्स का जो नेचर देखा गया, जब इनको फ्रैक्शन नहीं करवाया था और तब लटकाते हैं तब तो ये दोनों जो है ना तो अट्रैक्ट कर रही थी और ना ही रिपेल कर रही थी। इसका मतलब फ्रैक्शन नहीं करवाते हैं तो उन पर आवेश नहीं आया, यानी कि वो विशेष गुण नहीं आया। जैसे ही इनको फ्रैक्शन करवा के, घर्षण करवा के, रबिंग इस पदार्थ से करवा के और लटकाया गया तो देखा गया कि ये दोनों रोड जो है वो दोनों रोड एक दूसरे के नजदीक आ रही थी। एक दूसरे की क्या आ रही थी, नजदीक आ रही थी। तो इसका मतलब इनके मध्य लग रहा था आकर्षण बल। क्या लग रहा था बेटा, आकर्षण बल, ठीक है। इस प्रयोग को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फिर एक्सपेरिमेंट किया। इस बार उन्होंने इसको भी प्लास्टिक की रोड ली और ये भी प्लास्टिक की रोड ले ली, ये भी प्लास्टिक की छड़ और ये भी प्लास्टिक की छड़, ठीक है जी। दोनों को जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया तो उन्होंने देखा कि दोनों के ऊपर कोई नेचर नहीं है, ना अट्रैक्शन है, ना रिपल्शन है, ना ही आकर्षण है, ना ही प्रतिकर्षण। लेकिन इसको भी घर्षण करा के लटकाया, इसको भी घर्षण करा के लटकाया और दोनों को मान लीजिए घर्षण करा दिया किसी वुलन से, तो दोनों क्या कर रही थी, एक दूसरे से दूर जा रही थी दोनों रोड, ठीक है। दोनों दूर जा रही थी तो इसका मतलब इनके मध्य क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल। कोई भी चीजें दूर कब जाती हैं, जब सेम नेचर होता है, सेम प्रकृति पढ़ रहे हैं यहाँ पर। फिजिक्स का मतलब ये प्रकृति का ये गुण है कि अगर वो दो समान चीजें होती हैं तो प्रतिकर्षित करती हैं, तो यहाँ प्रतिकर्षण बल लग गया। तीसरा जो एक्सपेरिमेंट है, अच्छा हमने देखा कि अलग अलग रोड थी उनको घर्षण करा के लटकाया तो आकर्षण आ रहा था, सेम रोड है घर्षण करा के लटकाया तो प्रतिकर्षण आ रहा है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के दिमाग में एक बात क्लिक कर गई कि इसका मतलब जब यहाँ प्लास्टिक की रोड थी और यहाँ पर आपके पास कांच की रोड थी, यहाँ पे कौन सी रोड थी, कांच की, इसका मतलब प्लास्टिक पे आया हुआ जो आवेश है और कांच पर जो आया आवेश है वो दोनों ही अलग प्रकृति के हैं। अलग प्रकृति के हैं तभी तो आकर्षित हो रहे हैं, ये प्रकृति का नियम है। और अगर सेम एक जैसी छड़ है, एक ये भी प्लास्टिक की और ये भी प्लास्टिक की,
तो वह प्रतिकर्षित हो रही थी, तो इसका मतलब इन दोनों पर जो आवेश आया है वो संहार प्रकृति का है। तो इससे दोनों इन प्रयोगों से ये तो निष्कर्ष निकल गया और ये बात क्लियर हो गई कि आवेश जो आया है वो दो प्रकार का है। क्लियर है? अब किस पे प्लस आएगा और किस पे माइनस आएगा, तो उसके लिए समझे यहां पर, तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का दाता है, जो इलेक्ट्रॉन दे देगा, उस इलेक्ट्रॉन दे देगा उस पर तो आ जाएगा धनात्मक आवेश, उस पर क्या आ जाएगा बेटा, धनात्मक आवेश। और जो इलेक्ट्रॉन का ग्राही है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिसकी नेचर इलेक्ट्रॉन लेने की है, उस पर आ जाएगा ऋणात्मक आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक। और जब इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है, इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ पे आ जाएगा तो उसको ऋणात्मक आवेशित कर देगा, इलेक्ट्रॉन जहां से चला जाएगा उसको धन आवेशित कर देगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि किस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, किस पे आएगा, कौन से दो पदार्थों को घर्षण करवाए तो कौन से पे क्या आएगा, वो निश्चित है कि जो इलेक्ट्रॉन का दाता होगा, इलेक्ट्रॉन का दाता है वो तो इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, दाता मतलब डोनर मींस दान करने वाला, और ग्राही मतलब एक्सेप्टर, जिसकी प्रॉपर्टी एक्सेप्टर की है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, तो उसपे ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। इसका मतलब जो आवेश है वो कितने प्रकार के हो गए, आवेश के प्रकार की बात करें तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया आवेश का, सबसे पहले प्रकारों को बताने वाले वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने बताया आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक आवेश, एक ऐसा आवेश होता है धनात्मक, और दूसरा होता है आपके पास ऋणात्मक आवेश। दूसरा आवेश कौन सा होता है बेटा, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक आ गया आपके पास नेगेटिव चार्ज। तो इसका नाम आवेश का धनात्मक और ऋणात्मक ही क्यों रखा, तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है। यहां पर क्या हो रहा था, एक और लास्ट एक्सपेरिमेंट यहां पे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया, इसको भी घर्षण करवा के प्लास्टिक की छड़ को रख दिया, लटका दिया, और कांच की छड़ को भी लटका दिया घर्षण करा के, तो दोनों प्रतिकर्षित हो रही थी, फिर इन दोनों को आपस में टच करा दिया, इसको भी घर्षण कराया, इसको मान ये आपके पास प्लास्टिक की छड़ है और ये कांच की, दोनों को घर्षण करके लटका दिया, तो देखा ये दोनों दूर जा रही है, इसका मतलब प्रतिकर्षण बल है। ठीक है, अब क्या किया, इन दोनों को आपस में इस तरह से टच किया, टच किया, टच करने से क्या होगा, फिल्म को लटकाया तो ना तो ये आकर्षित हो रही थी ना ही प्रतिकर्षित, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को मिलाने पर मान जीरो हो रहा है। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि दो आवेशित वस्तुओं को मिलाने पर, टच कराने पर उसका मान जीरो हो रहा है। इसका मतलब तो ये हो गया, जबकि केमिस्ट्री कहती है कि दो चीजों को हम मिलाते हैं तो कोई तीसरी चीज मिलती है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बनता है, पानी बन जाता है, जल बन जाता है, H2। लेकिन यहां कुछ उल्टा हो रहा था, दो अलग अलग चीजें मिलाने के बाद जीरो, तो ये तो भाई गणित में ही संभव है, इसलिए गणित के नामकरण रखा गया, इसका गणित में नामकरण रखा गया धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक ये था, मैंने आपको बताया कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश क्यों रखा, उसका लॉजिक। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो भाई अपने यहां तक क्या सीखा, यहां तक ये सीख लिया कि भाई आवेश जो है वो घर्षण से मिलता है, और घर्षण के साथ साथ आवेश दो प्रकार का होता है, और ये सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। और फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा कि धनात्मक धनात्मक आवेश और ऋणात्मक ऋणात्मक आवेश, यानी कि समान जो प्रकृति के आवेश है, समान प्रकृति के आवेश जो है उनके मध्य लगता है, समान जो प्रकृति के आवेश है उनके मध्य लगता है प्रतिकर्षण बल। कैसा बल लगता है बेटा, प्रतिकर्षण, यानी कि समान प्रकृति का मतलब धनात्मक धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक ऋणात्मक हो, तो बल कैसा होगा, समान प्रकृति का आवेश कैसे हो, समान प्रकृति, आवेश समान प्रकृति की, तो बल होगा प्रतिकर्षण। इन आवेशों को समान प्रकृति भी बोल सकते हैं, सहजातीय भी बोलते हैं, कुछ किताब वाले इसको यूज करते हैं सहजातीय, सहजातीय का मतलब भी यही है, एक जैसे, एक जैसी जात के है जी, इनका मतलब भी यही है, और सेम नेचर का मतलब भी यही है। और देखा बेंजामिन
विषय एक माइनस का है या एक माइनस का है, एक प्लस का है, विपरीत प्रकृति के हैं। कैसी प्रकृति के? विपरीत प्रकृति के। तो विपरीत प्रकृति के जो आवेश हैं उनके मध्य लगता है आकर्षण बल। क्या लगता है बेटा? आकर्षण बल। यानी कि जो विजातीय आवेश हैं, एक और नाम है इनका विजातीय आवेश, मतलब एक जात के नहीं है, एक जैसे नहीं है, तो उनके मध्य लगता है आकर्षण बल। ठीक है, तो यहाँ तो हो गया रिपल्शन फोर्स और यहाँ पे हो गया अट्रैक्शन फोर्स। अगर चार्ज की नेचर सेम है, चार्ज एक जैसे हैं, तो फिर लगेगा रिपल्शन फोर्स, और चार्ज अपोजिट हैं, तो लगेगा फिर आकर्षण। ठीक है, अब थोड़ा सा हम एक और चीज समझ लेते हैं यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि भाई जो आवेश आपका आया है तो आवेश क्या एक ही वजह से आया है? घर्षण की वजह से ही आवेश मिलता है क्या? तो आवेश की अगर हम बात करें तो आवेश की जब उत्पत्ति देखी गई तो वो तो देखी गई घर्षण विद्युत की से। किससे देखी गई बेटा? घर्षण विद्युत की से। यानी कि दो पदार्थों को घर्षण कराने से, दो पदार्थों को घर्षण कराने से आवेश आ रहा था, तो फिर सोचा गया कि आवेश को क्या घर्षण से ही प्राप्त कर सकते हैं? क्या कोई और विधि नहीं है? बात भी सही है, सोचने वाला साइंस हर चीज को सोचती है। तो फिर पता चला कि घर्षण विद्युत ही नहीं है जिससे आवेश ले सकते हैं, और भी आवेशों को प्राप्त करने की विधियां हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ एक और बात आपको क्लियर करवा दूं कि जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी है बेटा, इलेक्ट्रॉन थ्योरी को थोड़ा सा समझेंगे। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ये कहती है, मान लीजिए आपके पास दो पदार्थ हैं, पदार्थ एक और ये है आपका पदार्थ दो। क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा था कि भाई किस पे धनात्मक आवेश आएगा और किस पे ऋणात्मक, जब इन दोनों पदार्थों को आपस में घर्षण करवाएंगे तो घर्षण की वजह से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, ठीक है, और जब पदार्थ में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा घर्षण से, इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, इसका नेचर कैसा है? इसकी प्रकृति है दाता की। कैसी प्रकृति है बेटा इसकी? दाता की। और इसकी कैसी प्रकृति है? ग्राही की। इसकी कैसी प्रकृति है? ग्राही की। ठीक है, इसका मतलब जब घर्षण के उपरांत दोनों अलग होंगे तो दोनों में अगर हम देखेंगे तो ये धनात्मक आवेशित हो जाएगा और ये कैसा आवेशित हो जाएगा? ऋणात्मक। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एक और बात समझते हैं कि अगर हम बात करें ये पदार्थ है और पदार्थ किससे मिलकर बना है? पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है, और परमाणु की अगर बात करें तो परमाणु में नाभिक होता है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं नाभिक। देखो पूरा समझ में आएगा, ध्यान से समझते जाओ। ये नाभिक है और नाभिक में आपके पास होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये कक्षक हैं और कक्षकों में चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। हम बात कर रहे हैं कि दाता प्रकृति कौन रखेगा और ग्राही कौन रखेगा। तो भाई जैसे ही हम पढ़ चुके हैं, जो परमाणु है उसके बाह्यतम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कक्षक के इलेक्ट्रॉन वो कहलाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षक के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिन पर नाभिक का आकर्षण बल बिल्कुल ही कम होता है। नाभिक का आकर्षण बल बिल्कुल ही कम होता है, इसलिए वो आसानी से घर्षण से ऊर्जा मिलते ही वो टूट जाते हैं। जैसे घर्षण कराते हैं ऊर्जा मिलती है, आपने देखा भी होगा कि जब हम हाथों को सर्दियों में फ्रिक्शन करा रबिंग करते हैं तो गर्म हो जाते हैं, इसका मतलब क्या मिल गया? हमें एनर्जी मिलती है हाथों को। वैसे ही दो पदार्थ जब रबिंग होगी दोनों पदार्थों की, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, और कौन से इलेक्ट्रॉन का होगा? जो बाह्यतम कक्षक में है, जो आउटर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसी का स्थानांतरण होगा, क्योंकि वही टूटेगा, क्योंकि उस पे नाभिक का आकर्षण बल बहुत ही कम है। उस इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से टूटेगा, इसका मतलब इस ये पदार्थ जिसका भी परमाणु है, जिस भी पदार्थ का परमाणु है, इसकी नेचर है इलेक्ट्रॉन दाता की। ठीक है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन पर नाभिक बाह्यतम कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक तो बहुत ही संख्या में कम होते हैं, दूसरा उन पर आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है, तो
तो ऊर्जा देने के बाद भी वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं टूटते हैं, नहीं टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है स्थानांतरित नहीं होंगे, नहीं होंगे तो उनकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, उनकी प्रकृति हो जाएगी ग्राही की, उनकी प्रकृति कैसी हो जाएगी ग्राही की। तो आपकी किताब में एक टेबल मैंने आपको ड्रॉ करके नोट्स में भी बनाई है कि किस पे धनात्मक आवेश आएगा किस पदार्थ पे और किस पे ऋणात्मक आवेश आएगा, उसकी एक टेबल बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं और उससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन दाता है और कौन ग्राही है, किसकी नेचर कैसी है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन थ्योरी से हम एक और बात समझते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर, जब भी इलेक्ट्रॉन जाता है तो एक तो इलेक्ट्रॉन क्या लेके जाता है, आवेश लेके जाता है और दूसरा कुछ द्रव्यमान भी लेके जाता है। इलेक्ट्रॉन आवेश भी लेके जाता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे जाता है, आवेश तो लेके जाता है इसीलिए आवेशित हो जाता है, और दूसरा उसके साथ साथ वो द्रव्यमान भी लेकर जाता है। इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.8 × 10⁻¹⁹ kg, ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे जाएगा तो इतना द्रव्यमान लेकर जाएगा और कितना आवेश लेकर जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन पे आवेश की बात करें तो वो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, इतना तो आवेश लेके जाएगा और इतना द्रव्यमान लेकर जाएगा। इसका मतलब तो एक बात क्लियर हो गई कि इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो इसके द्रव्यमान को भी बढ़ाएगा और इसको आवेश भी देगा, ठीक है। दूसरी और तीसरी और लास्ट बात इलेक्ट्रॉन थ्योरी की यह है कि भाई इलेक्ट्रॉन थ्योरी ये कहती है कि किसी भी पदार्थ पर या पदार्थ के परमाणु पर, पदार्थ या फिर पदार्थ का जो परमाणु है, पदार्थ या पदार्थ का परमाणु, ठीक है जी, पदार्थ या पदार्थ का जो परमाणु है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने धनात्मक आवेश होते हैं उतने ही ऋणात्मक आवेश होते हैं। बहुत अच्छी और सुंदर बात, कोई भी पदार्थ है उस पे जितने धनात्मक आवेश उतने ही ऋणात्मक आवेश रहते हैं, इसलिए वह दोनों एक दूसरे के मान को निरस्त कर देते हैं, इसीलिए वो पदार्थ कहलाता है उदासीन या अनावेशित। कब कहलाएगा अनावेशित, जब इसका मतलब जितने धनात्मक आवेश उतने ही ऋणात्मक आवेश, तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा, उदासीन या अनावेशित। अब कोई अनावेशित पदार्थ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस पर आवेश नहीं है, आपको ये समझना है उस पर आवेश है लेकिन जितना धनात्मक है उतना ही ऋणात्मक, बात क्लियर है। अगर मान लीजिए ये पदार्थ है तो इसमें अगर 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो 10 ही प्रोटॉन हैं, ठीक है, इसलिए उदासीन है। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन इधर त्याग दिया तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बच गए बेटा, यहाँ 9 बच गए, और मान लीजिए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हैं और 8 ही प्रोटॉन हैं तो एक आते ही इसके पास कितने हो जाएंगे, 9, इसकी संख्या बढ़ गई, माइनस आवेश की संख्या बढ़ गई क्योंकि माइनस आवेश 9 गया और प्लस आवेश कितना है 8, तो ये ऋणावेशित हो गया। और इसको धनावेशित क्यों बोला, क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन बच गए 9, प्लस के आवेश है 10, तो इसका मतलब कैसा आवेशित हो गया, प्लस आवेशित हो गया, ठीक है। ये थी आपकी इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं घर्षण विद्युत की से इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होता है वो किस प्रकार से होता है। तो हमने 2-3 चीजें सीखी, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, प्रोटोनों का कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रोटोन को तो हम परमाणु में उपस्थित जो नाभिक उसमें पाया जाता है उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, नहीं टूटेगा तो स्थानांतरण किसका होगा, इलेक्ट्रॉन। एक और बात सबसे इम्पोर्टेंट, चाहे पदार्थ धनावेशित हो चाहे ऋणावेशित, उसका रीजन जो कारण है वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, चाहे वो पदार्थ धनावेशित हो चाहे ऋणावेशित, धनावेशित हुआ है तो भी किसकी वजह से हुआ है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ऋणावेशित भी क्यों हुआ, क्योंकि उसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझनी है। अब हम बात करते हैं कि क्या आवेश जो है वो केवल और केवल घर्षण से ही प्राप्त होता है क्या, और दूसरी बात हम पढ़ रहे हैं स्थिर विद्युत की, तो स्थिर विद्युत की में आवेश हम बार बार सभी बोलते हैं, सभी जगह आप पढ़ते रहते हो देखते रहते हो कि आवेश स्थिर है आवेश स्थिर है, तो मैं आपको ये बताऊं कि स्थिर कैसे है। तो आपको ध्यान से समझना है कि कोई भी विद्युत रोधी जो पदार्थ होता है, विद्युत रोधी
पदार्थ को ध्यान से समझेंगे, ऐसा पदार्थ जो आवेश का चालन नहीं करता अपने अंदर वो कहलाता है विद्युतरोधी, और जो जो आपके विद्युत के पदार्थ हैं उनमें आवेश का चालन हो जाता है। तो घर्षण हम किसका करा रहे थे, कांच का, प्लास्टिक का, है जी। कांच और प्लास्टिक क्या है, ये विद्युतरोधी पदार्थ, और विद्युतरोधी पदार्थ में क्या होता है, जिस भाग पर घर्षण कराते हैं उसी भाग पर, उतने भाग पर, जितने भाग पर घर्षण हो रहा है उतने ही भाग पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, और वही रहता है, वो वही रहता है, क्योंकि विद्युतरोधी जो पदार्थ है, विद्युतरोधी पदार्थों पे जितने भाग पर घर्षण कराते हैं उतने ही भाग पर आवेश रहता है, वो वहां से स्थानांतरित नहीं होता, चल नहीं सकता, क्योंकि वो पदार्थ उसको चलने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि वो पदार्थ विद्युतरोधी है, इसलिए आवेश क्या रहता है वहां, स्थिर अवस्था में रहता है, ठीक है। इसीलिए तो उसको बोला है विद्युतरोधी, बात क्लियर है। तो हम देख रहे थे कि घर्षण जो है वो ही एक ऐसा ऐसा मार्ग नहीं है जिससे हम आवेश को प्राप्त करते हैं, आवेश को प्राप्त करने की और भी विधियां हैं, तो और विधियों पर देखते हैं कि आवेश और कौन कौन सी विधियों से हमें मिल सकता है। तो हमने पहली विधि तो हमने देखी थी, वो विधि थी आपकी घर्षण विधि, जिसको फ्रिक्शन मेथड बोलते हैं, घर्षण विधि। तो घर्षण विधि से आवेश मिलता है जिसको हम फ्रिक्शन मेथड बोलते हैं, ठीक है जी। और देखते हैं बेटा और कौन सी विधि है, तो सेकंड जो आपके पास विधि आती है वो है एक प्रयोग से, मैं इसको समझाऊंगा, उसको हम बोलते हैं स्पर्श विधि। कौन सी विधि बोलते हैं बेटा, स्पर्श विधि या संपर्क विधि, एक और नाम है इसका, स्पर्श या संपर्क, स्पर्श या संपर्क विधि। इसमें बेटा आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट मेथड, कॉन्टेक्ट मेथड, ठीक है जी। कॉन्टेक्ट और स्पर्श मेथड को समझते हैं ध्यान से, कि आवेश घर्षण से ही नहीं स्पर्श से भी मिलता है, कैसे थोड़ा समझते हैं। एक साइंटिस्ट थे, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कोई भी आपका स्फीयर था, ये किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ था, इंसुलेटिंग स्टैंड पे इसलिए रखा है क्योंकि आवेश जो है अर्थ में ना चला जाए, क्योंकि अर्थ भी क्या है, पृथ्वी भी क्या है, एक चालक है, इसलिए आवेश पृथ्वी पे जा सकता है, इसलिए इसको जो आपका इंसुलेटिंग स्टैंड है, कुचालक स्टैंड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, कुचालक स्टैंड। इस पर ये आवेशित गोला है और इस पर ये आवेश है। अब हुआ क्या, एक आपके पास था दूसरा गोला जो कि वो भी अनावेशित था, लेकिन वो रखा हुआ था इंसुलेटिंग स्टैंड पे, उसी कुचालक स्टैंड पे। अब हुआ क्या बेटा, जब ये दोनों, ये आपके पास है अनावेशित, ये कैसा है, ये गोला अनावेशित था, ये अनावेशित गोला है, और ये आपके पास है आवेशित गोला, ये कौन सा गोला है, आवेशित, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे दोनों का संपर्क होगा तो संपर्क से क्या होता है कि जो अनावेशित गोला है, इसका मतलब ये तो है नहीं कि इस पे आवेश नहीं है, मैंने पहले बताया है कि आवेश तो है, जितना धनात्मक है उतना ही ऋणात्मक। संपर्क से क्या होगा, संपर्क से इसका आधा आवेश इस पर आ जाता है, आवेशित जो गोला है उसका आधा आवेश, या आवेशित पदार्थ का आधा आवेश अनावेशित पदार्थ पर आ जाता है। तो जब इन दोनों को अलग किया, संपर्क करा के अलग किया, तो देखा गया कि ये जो अनावेशित गोला था ये भी आवेशित हो गया था। सेकंड डायग्राम में हम देखें तो इसका जो आवेशित गोला है, इसका आधा जो आवेश है वो चला गया था अनावेशित गोले पर, किस पे चला गया था बेटा, अनावेशित गोले पर, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई आवेशित अगर एक बार घर्षण से किसी पर आवेश ले आए, तो इस पर जितना भी आवेश आया है इन दोनों को संपर्क करा के इसका आधा आवेश इस पर भेज सकते हैं। तो अनावेशित गोला भी आवेशित हो गया कि नहीं, इसका मतलब अनावेशित कोई भी वस्तु को संपर्क द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब और कितना आवेश जाएगा, इसका आधा आवेश उस पर चला जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना। इसका मतलब ये हो गया, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालें कि आवेशित गोले पर मान लीजिए आवेश था Q1, ठीक है, और इस पर आवेश कितना है बेटा, मान लीजिए Q2। Q1 का मान आपके पास, मान लेते हैं कि Q1 का मान है 6 कूलम, और Q2 पर आवेश कितना है 0, क्योंकि अनावेशित है, ठीक है।
तो दोनों पर आवेश का वितरण कितना कितना होगा? तो आवेश का वितरण होगा आपके पास q बराबर पहला आवेश q1 प्लस दूसरा आवेश q2 और बटे दो। यानी कि दोनों हो सकता है ये अनावेशित पदार्थ नहीं हो, ये भी आवेशित पदार्थ हो, ये भी आवेशित हो, ये भी आवेशित हो, तब भी आवेशों का स्थानांतरण होगा, और अगर अनावेशित है तो भी स्थानांतरण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आवेश आएगा संपर्क कराने के बाद? तो वो आएगा दोनों का जो आवेश है उसको जोड़ के दो का भाग दे दीजिए, इसका मतलब औसत ज्ञात कर लीजिए, सॉरी माध्य ज्ञात कर लीजिए। तो माध्य जो आएगा इसका देखिए तो बेटा 6 कूलाम आवेश था, है जी, और इस पर अगर देखिए तो 0 कूलाम आवेश था और बटे दो, इसका मतलब आ गया 3, 6 बटे 2 का मतलब आ गया 3 कूलाम। इसका मतलब जब ये दोनों गोले आपस में संपर्क में आएंगे तो 3 कूलाम आवेश इस पे आ जाएगा और 3 इस पे। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये आवेश अनावेशित ना होकर ये गोला भी आवेशित है, मान लीजिए आपके पास 4 कूलाम आवेश से आवेशित है और ये 6 कूलाम से, तो q2 का मान कितना आ गया? 4 कूलाम। ठीक है, ये आपके पास है 4 कूलाम। तो भाई अब स्थानांतर, अब जब संपर्क में आएंगे तो आवेशों का स्थानांतरण होगा, तो स्थानांतरण के बाद किस पे कितना आवेश आएगा? तो हमने कहा कि आधा आवेश आ जाता है, तो आधा करने का तरीका क्या है? तो हम दोनों को जोड़ के दो का भाग दे देंगे, तो पहले पे आवेश कितना है? 6 गुलाम, पहले पे 6 गुलाम, दूसरे पे है 4 गुलाम और बटे दो, तो इसका मतलब है 10 बटे दो, इसका मतलब आंसर आया 5। इसका मतलब 5 गुलाम आवेश इस पर रहेगा और 5 गुलाम आवेश ही इस पर रहेगा। अरे बात सही है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि संपर्क विधि से भी हम आवेश को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि पहला जो भी पदार्थ होगा वो आवेशित होगा और दूसरा अनावेशित होगा। जब दोनों संपर्क में आएंगे तो आवेशों का स्थानांतरण होगा, जिससे अनावेशित जो पदार्थ है वो भी आवेशित हो जाएगा। कितने आवेश से आवेशित होगा? आधे आवेश। कितने से? आधे से। आधा कौन सा? दोनों के आवेश को जोड़कर दो का भाग दे दीजिए, उतना आवेश का वितरण कर दीजिए। ठीक है, तो एक और विधि हमें मिल गई आवेश को प्राप्त करने की, और वो थी आपके पास संपर्क या स्पर्श विधि। तीसरी और लास्ट विधि देखते हैं आवेश को प्राप्त करने की, जिसको हम बोलते हैं प्रेरण विधि। क्या बोलते हैं बेटा? प्रेरण विधि। तो तीसरा हम देख लेते हैं, तीसरी विधि आपके पास है, तीसरी है प्रेरण विधि। ठीक है जी, जिसको हम बोलते हैं इंडक्शन मेथड। क्या बोलते हैं बेटा? इंडक्शन मेथड। ठीक है, प्रेरण नाम से पता चल रहा है, किसी को प्रेरित करना, बिना संपर्क में आए प्रेरित करना, जैसे आप कोई भी किसी को मोटिवेट करके चेंज कर देता है, तो वैसा ही कुछ हाल यहाँ पे होने वाला है। इसको ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए कोई आपके पास गोला था, ठीक है, देखो एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कहानी सुनाता हूँ आप। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अनावेशित गोला था, ठीक है, और एक आवेशित गोला था, और दोनों इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखे हुए थे। घर से फोन आ गया, वो लैब में काम कर रहे थे तो वो घर चला गया। एक आवेशित गोला और एक अनावेशित गोला पास पास पड़े हुए थे और वो घर चला गया। सुबह आके देखा तो उसने देखा कि जो आपका अनावेशित गोला है वो आवेशित हो गया, यानी कि संपर्क भी नहीं हुआ दोनों का, फिर भी क्या हो गया? आवेशित हो गया। फिर उसने रीजन खोजने की कोशिश की कि क्या रीजन हो सकता है, तो ये आपका है अनावेशित गोला। कैसा गोला है बेटा ये? अनावेशित गोला। अनावेशित कोई भी पदार्थ है और इसके संपर्क में लाए बिना कोई भी एक छड़ ले लेते हैं जो कि प्लस आवेश से आवेशित है और इसके पास लेके आते हैं, ये आवेशित छड़ है। ठीक है, आवेशित छड़ का मतलब चार्ज रॉड कोई भी है, तो ये जैसे इसके संपर्क में नहीं है, दूर है थोड़ा सा, तो मैंने कहा कि ये अनावेशित गोला है। अनावेशित गोला है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इस पे आवेश नहीं है, आवेश तो है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जितना इस पे धनात्मक आवेश है उतना ही ऋणात्मक आवेश है। अब होगा क्या, ये धनात्मक आवेश रोड इसके पास लाई जाती है तो इस गोले का जितना भी ऋणात्मक आवेश है वो इसकी तरफ आकर्षित होगा, और ऋणात्मक आवेश जो है इसका आकर्षित होगा तो सारा ऋणात्मक आवेश इधर आ जाता है इस पृष्ठ पर गोले के, और धनात्मक आवेश गोले के इस पृष्ठ पे आ जाता है। बात क्लियर है? अब क्या होगा, इसका मतलब प्लस आवेशित जो छड़ थी उसने ऋणात्मक आवेशों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और
चेतनात्मक आवेशों को प्रतिकर्षित कर दिया। ठीक है, फिर अगली विधि में हमने क्या देखा, अगली विधि में हम देखते हैं कि ये जो प्लस आवेश आए हैं इसको हम कर देते हैं भूसंपर्कित। क्या कर देते हैं बेटा, अर्थिंग कर देते हैं, भूसंपर्कित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, भूसंपर्कित। अब भूसंपर्कण से क्या होगा बेटा, जितना भी धनात्मक आवेश इस पृष्ठ पे आया है वो सारा अर्थ में चला जाता है। सारा किस में चला जाता है, अर्थ में। अच्छा एक बात, एक सवाल आ जाता है माइंड में बच्चों के कि सर जी प्लस आवेश ही अर्थिंग में क्यों गया, माइनस क्यों नहीं गया। तो भाई माइनस आवेश को इसने क्या कर रखा है, अपनी ओर आकर्षित कर रखा है, और प्लस आवेश के प्रतिकर्षित कर रही। तो प्लस आवेश तो पहले परेशान है, तो प्लस आवेश तो जाने के लिए तैयार है, तो प्लस आवेश परेशान है तो वो सारे अर्थ में चले जाएंगे। अगले डायग्राम में क्या होगा, अगला डायग्राम देखें तो अपन, अगले डायग्राम में देखो सिंपल सा है कि इस अर्थिंग को भी हटाएंगे सारा आवेश इसमें चला जाएगा, रॉड को भी, तो आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी, ये इंसुलेटिंग स्टैंड और ये आपका जो आपका चार्ज कंडक्टर है ये है, इस पर ऋणात्मक आवेश इधर थे और ये रॉड थी धनात्मक जो कि इसके पास थी, भू संपर्कण को हटा दिया, प्लस आवेश सारा पृथ्वी में चला गया। उसके बाद इस रॉड को भी हटा देते हैं, रॉड को हटाएंगे तो कंडीशन ये बन जाती है लास्ट, रॉड को हटाते ही जो ऋणात्मक आवेश थे वो यहाँ पर गोले के संपूर्ण जो आपका आयतन है उसमें फैल जाते हैं, और इस तरह से ये गोला भी क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता। गोला शुरू में कैसा था, अनावेशित। गोला शुरू में कैसा था, अनावेशित। इस विधि को बोलते हैं प्रेरण विधि, क्योंकि इसमें संपर्क नहीं करवाया हमने, बिना संपर्क के हम इस अनावेशित गोले को आवेशित कर देते हैं। लेकिन संपर्क विधि में, प्रेरण विधि में सॉरी, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, और वो ये है कि अगर हम यहाँ प्लस की छड़ लेते हैं तो गोला माइनस आवेश से आवेशित हुआ। इसका मतलब प्रेरण में जो आवेश आता है वो विपरीत प्रकृति का आता है। कैसा आता है, विपरीत प्रकृति, क्योंकि यहाँ पर आपके पास था प्लस छड़ तो आवेशित हो गए ऋणात्मक। अगर यहाँ पर हम ऋणात्मक छड़ लेते हैं तो फिर जो आपका अनावेशित गोला है वो धनात्मक से आवेशित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से तीन विधियां हमने पढ़ ली है आवेश को प्राप्त करने की। पहली विधि आपके पास है घर्षण विधि, दूसरी आपके पास है संपर्क विधि या स्पर्श विधि, ठीक है, जिसको कॉन्टेक्ट मेथड बोले, और तीसरा है प्रेरण विधि, इंडक्शन मेथड, यानी कि प्रेरित किया है इसमें, इसको प्रेरणा दी है, प्रेरणा दी है लेकिन विपरीत प्रेरणा दी है, विपरीत प्रेरणा देने से विपरीत आवेश आ गया। ठीक है, सही प्रेरणा नहीं दे रहा है, कैसी प्रेरणा दे रहा है, विपरीत। खुद पे जैसी प्रेरणा है ना, जिस पे खुद पे जितना आवेश है, जैसा आवेश है, जैसी प्रकृति का, उसके विपरीत प्रेरणा देता है। इसलिए तो भाई इस तरह से हमारे पास, आपके पास है जो है कितने प्रकार की जो विधियां हैं वो आ गई आवेश की उत्पत्ति की, आवेश को प्राप्त करने की, वो आ गई तीन विधियां आवेश को प्राप्त करने की। ठीक है, फिर भाई आवेश की हमने उत्पत्ति कर दी, फिर आवेश को प्राप्त करने की विधियां पढ़ ली तीन। अब बात आई कि भाई जो आवेश आया है इसके क्या क्या गुण है, तो इस चैप्टर में बताया फिर आगे कि क्या क्या गुण आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है जो आवेश के गुणों का अध्ययन कर लेते हैं, है जी। तो अगला टॉपिक है आवेश के गुण धर्म, आवेश के गुण धर्म, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, आवेश के गुण धर्म, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। आवेश के गुणधर्म देख लेते हैं फटाफट। पहला जो आवेश का गुणधर्म है वो बोला जाता है आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता। ठीक है, आवेशों की योज्यता देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि आवेश अदिश राशि है, आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो आवेशों की योज्यता का मतलब एडिटिविटी ऑफ चार्जेस बोलते हैं इसको, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, आवेशों की योज्यता। तो आवेशों की योज्यता का मतलब ये है कि आवेशों को हम कैसे जोड़ सकते हैं, कुल चार्ज हमें, कुल आवेश अगर किसी पदार्थ का ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो भाई रखना ये समझना, ये कोई पदार्थ है मान लीजिए, और इस पर प्लस का दो गुलाम है जी, प्लस का पांच गुलाम है जी, माइनस का दो गुलाम और माइनस का तीन गुलाम आवेश है। तो इस पदार्थ पे कुल आवेश कितना है, तो
आवेशों की योजता जो गुणधर्म है वो ये कहता है कि आवेश अगर किसी पदार्थ पर अलग अलग हैं और आपको कुल याद करना है तो आवेशों का बीजीय योग कर दीजिए। बीजीय योग का मतलब है आवेशों को वैसे ही जोड़ना है जैसे हम गणित में संख्याओं को जोड़ते हैं, क्योंकि आवेश अदिश राशि है, अदिश राशि है तो दिशा इसमें नहीं है, तो जब अदिश राशि होती है तो उनको हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, बीजीय योग कर देते हैं। तो यहाँ से इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा आपके पास प्लस का 2, प्लस का 5, माइनस का 2, माइनस का 3, तो 5 और 2 7 और 3 और 2 5, तो 7 माइनस 5, इसका मतलब इस पदार्थ पे आवेश आ गया, 5 में से 2 गए तो बच गए 2 कूलम, और 2 कूलम कैसा प्लस का, इसका मतलब इस पदार्थ पर जो संपूर्ण आवेश है वो है प्लस का 2 कूलम। इसी को कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, यानी कि आवेशों की योज्यता। ठीक है, तो इसका मतलब आवेश कैसी राशि है आपको ध्यान रखना, आवेश अदिश राशि है, मैं लिख देता हूं यहाँ, आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है तो इसको कैसे, स्केलर क्वांटिटी है चार्ज, तो भाई इसको कैसे जोड़ेंगे, आवेशों का, आवेशों का जो योग है वो हम बीजगणितीय योग बोलते हैं उसको, कैसा योग बोलते हैं, बीजगणितीय योग। एल्जेब्रिकल सम, यानी कि आवेशों को वैसे ही जोड़ देते हैं जैसे सिंपल हम गणित में जोड़ते हैं, तो पहला गुणधर्म आ गया आपके पास। दूसरा देखते हैं, दूसरा गुणधर्म क्या है, समझने का है, बहुत ही अच्छा है दूसरा गुणधर्म, और वो है आपके पास आवेश का दूसरा गुणधर्म। तो आवेश का दूसरा गुणधर्म है आपके पास आवेशों की निश्चिरता, आवेशों की निश्चिरता, इनवेरियंस ऑफ चार्जेस, इनवेरियंस ऑफ चार्जेस, है जी। आवेशों की निश्चितता को समझते हैं, तो आवेश जो है वो ये कहता है कि भाई अगर किसी पदार्थ पर विराम अवस्था में जितना आवेश है विराम अवस्था में उतना ही गतिमान अवस्था में रहता है, गतिमान अवस्था में भी आवेश उतना ही रहेगा। कोई भी पदार्थ है विराम अवस्था में जितना उस पर आवेश है अगर वो गति करने लग गया, मोशन में आ गया, तो भी उस पर उतना ही आवेश रहता है, इसे ही कहते हैं इनवेरियंस ऑफ चार्जेस, यानी कि आवेशों की निश्चिरता। ठीक है, लेकिन यहाँ एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है जो समझने की है, और वो ये है कि आवेश तो नहीं बदलता है लेकिन उस पदार्थ का विशिष्ट जो आवेश है वो बदल सकता है। विशिष्ट आवेश जो है उसका फॉर्मूला होता है, विशिष्ट आवेश का पदार्थ पर आवेश और उसके द्रव्यमान के अनुपात को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, सॉरी विशिष्ट आवेश कहते हैं। इसका मतलब आवेश तो नहीं बदलेगा गतिमान अवस्था में लेकिन द्रव्यमान बदल सकता है। मॉडर्न फिजिक्स ये कहती है कि द्रव्यमान बदल सकता है, आगे आप सेकंड फिजिक्स में पढ़ेंगे, तो द्रव्यमान का सूत्र होता है जो आपके पास गतिमान अवस्था में द्रव्यमान का फॉर्मूला है m बराबर m जीरो अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बटे c स्क्वायर, ये फॉर्मूला आएगा आपके सेकंड फिजिक्स में। इसमें ध्यान रखना है कि जो गतिमान अवस्था में द्रव्यमान, ये m जीरो का मतलब हो गया रेस्ट द्रव्यमान, यानी कि स्थिर अवस्था में वस्तु का द्रव्यमान, और 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बटे c स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी पदार्थ, ये c है प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग है ये, प्रकाश का वेग, इसका मतलब कोई भी पदार्थ अगर प्रकाश के वेग से जब तक नहीं चलेगा, नहीं दौड़ेगा, जब तक उसका जो गति द्रव्यमान और विराम द्रव्यमान है दोनों बराबर रहेंगे। इस फॉर्मूले में v की जो वैल्यू है वो लेस देन है c से, बहुत ही छोटी है प्रकाश के वेग से। अगर कोई वस्तु प्रकाश के वेग से बहुत ही कम वेग से दौड़ रही है, चल रही है, तो इस कंडीशन में उसका गतिक द्रव्यमान और विराम द्रव्यमान दोनों बराबर होते हैं। इस फॉर्मूले में हम v की जो वैल्यू है वो ये रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी एक से बहुत ही छोटी, और एक से बहुत छोटी आएगी, एक से घटाएंगे तो उस पर कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो यहाँ मान आ जाता है m बराबर m जीरो। बात क्लियर होनी चाहिए भाई, ठीक। लेकिन कुछ आप देखो, मॉडर्न फिजिक्स में आधुनिक भौतिकी में खोज हो गई है और पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और भी बहुत छोटे कण हैं वो प्रकाश के वेग से भी अधिक वेग से दौड़ सकते हैं, तो
तोड़ सकते हैं, तो क्लियर है बी और सी इक्वल हो जाएगा, और बी और सी इक्वल हो जाएगा ना इस कंडीशन में यहाँ पे, तो रखेंगे तो एम बराबर एम नॉट नहीं आएगा, और एम बराबर एम नॉट नहीं आएगा तो इसका मतलब द्रव्यमान बदल जाता है, और द्रव्यमान बदल जाता है गति का अवस्था और स्थिर अवस्था में द्रव्यमान बदल जाएगा तो विशिष्ट आवेश भी बदल जाएगा। इसका मतलब एक बात क्लियर होगी, स्थिर अवस्था में और गतिमान अवस्था में जो है वो आवेश नहीं बदलता, बदल सकता है तो विशिष्ट आवेश बदल सकता है, और वो भी तब बदलेगा जब द्रव्यमान बदलेगा, और द्रव्यमान कब बदलेगा जब कोई भी कण जो है प्रकाश के वेग से गतिमान होगा, वरना संभव नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं आवेशों की निश्चितता। फिर उसके बाद नेक्स्ट संरक्षण की विधि आ जाती है, तीसरी विधि क्या आ जाती है आपकी, तीसरी विधि वो है आपके पास आवेशों की संरक्षण विधि, जिसको हम बोलते हैं आवेश संरक्षण। इसका मतलब जो तीसरा गुणधर्म है वो आवेश का संरक्षण का है, जिसको कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस या चार्ज। भाई ध्यान रहे, मैंने आपको बताया है कि संरक्षण शब्द जब भी किसी के साथ लगता है, चाहे ऊर्जा संरक्षण हो, चाहे संवेग संरक्षण हो, चाहे आवेश संरक्षण हो, इसका मतलब उस निकाय का जो कुल जिसके साथ ये संरक्षण लगा, ऊर्जा के साथ उस निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है। इसका मतलब यहाँ पर उस निकाय का आवेश, अगर आवेश संरक्षण नियम की पालना कर रहा है, इसका गुणधर्म है संरक्षण, इसका मतलब जो कुल आवेश है किसी भी निकाय का वो बदलने वाला नहीं है, वो निश्चित है कि वो फिक्स रहेगा, नियत रहेगा। इसका मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता। हमने पढ़ा है कि आवेश उत्पन्न नहीं हो रहा, पदार्थ में पहले से ही था, घर्षण करा के हमने बदला है, आवेश उत्पन्न नहीं किया है जी, तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट, आवेश को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, और आवेश कुल जो आवेश है किसी निकाय का वो नियत बना रहता है, इसे हम कहते हैं आवेश संरक्षण नियम। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके फटाफट इसको क्लियर करते हैं बात को। मान लीजिए नाइट्रोजन 714 है आपके पास, एक बात और ध्यान दे लेना, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है ये तत्व का प्रतीक है, यहाँ जेड है यहाँ ए है, इसको या तो ऐसे लिख देते हैं कुछ किताब वाले, उसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स जेड ए, दोनों का मतलब एक ही, ऊपर जो लिखा हुआ है वो द्रव्यमान संख्या, नीचे जो है वो है प्रोटोनों की संख्या। ठीक है, ये तो कहलाती है द्रव्यमान संख्या, क्या कहलाती है बेटा द्रव्यमान संख्या, और ये क्या कहलाती है, ये प्रोटोनों की संख्या, प्रोटोनों की संख्या। ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया भाई, ये सात जो है वो तो प्रोटोन है और 14 है इसके द्रव्यमान संख्या, यानी कि अब अगर यहाँ अभिक्रिया होती है, आवेश संरक्षण का उदाहरण देख रहे हैं, और मान लीजिए हम कार्बन बन गया, कार्बन C6 और 12 और यहाँ आपके पास बन गया 1H1 और यहाँ 2। ठीक है, तो भाई ध्यान दे लें कि 1H1 को प्रोटॉन बोलते हैं, 1H1 को क्या बोलते हैं, 1H1 को प्रोटॉन बोलते हैं, 1H2 को ड्यूटेरॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं ड्यूटेरॉन, और 2He4 को बोलते हैं अल्फा, अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटॉन, और 1H2 को क्या बोले हैं ड्यूटेरॉन, और 2He4 को बोलते हैं अल्फा कण। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस अभिक्रिया में कि नाइट्रोजन से कार्बन जब बनता है रासायनिक अभिक्रिया में तो ड्यूटेरॉन उत्सर्जित होता है, तो यहाँ प्रोटोनों की संख्या चेक करते हैं कितनी है, अभिक्रिया से पहले प्रोटोनों की संख्या 7 और द्रव्यमान संख्या कितनी है भाई, मास नंबर जेड और ये सॉरी ए, ये है आपके पास 14। तो अभिक्रिया के बाद देखते हैं संरक्षित है या नहीं, तो भाई देखिए तो प्रोटोन की संख्या आपके पास आ गई 6, इस पे तो 6 और इस पे 1, तो कितना आ गया 7। अगर बात करें एक ही द्रव्यमान जो संख्या उसकी, तो 12 और 2 कितने हो गए, 12 और 2 14। चेक करो कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद जो आपके प्रोटोनों की संख्या है और द्रव्यमान संख्या, उसमें कोई परिवर्तन हुआ क्या, तो पता चला कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका मतलब आवेश किसकी पालना कर रहा है, संरक्षण नियम की पालना कर रहा है। एक और बात यहाँ पे, कई बार क्या करता है यहाँ से ये इसको हटा देता है, ये नहीं बताता कि क्या है और
एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज एक्स, एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स क्या है, तो भाई सीधा सा ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम तो संरक्षण नियम का जो है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और संरक्षण नियम ये कहता है कि यहाँ प्रोटॉन की संख्या 7 है, यहाँ कितनी है 6, और यहाँ कितनी है, लेट अस कंसीडर स्मॉल एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो भाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7 - 6 = 1, इसका मतलब यहाँ पर 1 लगा हुआ है, ठीक। और भाई ऊपर वाले को देखें द्रव्यमान संख्या के अनुसार, तो 14 बराबर यहाँ से 12, और इसको मान लेते हैं वाई, है ना, प्लस वाई, तो वाई का मान कितना आया भाई, 14 - 12 = 2, इसका मतलब यहाँ है 2। ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें यहाँ 1 लगा होता है यहाँ 2, तो मैंने कहा ये 3 चीज याद रखना, तो इसमें पता चल जाएगा प्रोटॉन बन रहा है, न्यूट्रॉन बन रहा है, या फिर अल्फा कण बन रहा है, क्योंकि इस आवेश संरक्षण नियम की पालना करता है। लिखेगा क्वेश्चन में कि यह अभिक्रिया आवेश संरक्षण नियम की पालना कर रही है, तो बताओ एक्स का मान क्या है। तो ये 3 चीज बनेगी, इनमें से चेक कर लेना कौन सी। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है इसके जो कर सकते हो, नहीं आए तो मैं क्वेश्चन भी पूरे चैप्टर के बनाने वाला हूँ। अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर क्वेश्चंस का भी एक अलग से वन शॉर्ट वीडियो बना दीजिए, है ठीक है। और जो भाई वीडियो देख रहे हैं वो लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो कर देना इसको, है ना, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो आपके पास है वो टॉपिक आ जाता है आवेश का क्वांटमीकरण। क्या जाता है नेक्स्ट टॉपिक, आवेश का क्वांटमीकरण, हम देखेंगे आवेशों का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण यानी कि क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस या चार्ज, है जी, आवेशों के क्वांटीकरण को समझते हैं बेटा ध्यान से। मैं आपको एक थ्योरी से बताता हूँ, इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों कर लेते हैं इसका। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर जो न्यूनतम से न्यूनतम आवेश स्थानांतरित किया जा सकता है, न्यूनतम से न्यूनतम आवेश स्थानांतरित किया जा सकता है वो E है, एक E, इससे कम आवेश हम स्थानांतरित एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे नहीं कर सकते, क्योंकि इससे छोटा कण अभी खोज नहीं हुई है, संभव नहीं है, ठीक है। इसका मतलब सबसे छोटा जो आवेश है जो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे जा सकता है वो क्या है, एक E। उसके बाद अगर जाएगा तो फिर जाएगा 2E, फिर जाएगा तो 3E, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके पास पूर्ण संख्या है उसके गुणज के रूप में ही इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे जा रहे हैं। और तीसरा अगर आप देखें तो ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो स्थानांतरित होंगे कितने होंगे, NE, N अगर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, NE। N यहाँ पे क्या है बेटा, N है 1, 2, 3, 4, so on N, इसका मतलब यह होगी पूर्ण संख्या, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूनतम इलेक्ट्रॉन जो न्यूनतम आवेश है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे जा सकता है उसको बोला जाता है क्वांटा। उसको क्या बोला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है बेटा क्वांटा। तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे जो आवेश का स्थानांतरण, न्यूनतम आवेश का स्थानांतरण हो सकता है वो है एक क्वांटा, ठीक है। इससे कम आवेश संभव नहीं है, इसी को हम बोलते हैं मूल आवेश। कई बार परिभाषा आती है कि मूल आवेश किसे कहते हैं, तो हम कह देंगे कि वह न्यूनतम आवेश जो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित किया जा सकता है वो कहलाएगा मूल आवेश। क्या कहलाएगा, मूल आवेश, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई पदार्थ है उस पर अगर पदार्थ पे आवेश की मात्रा आपको ज्ञात करनी है, क्वांटमीकरण कहते हैं इसे, आवेशों का स्थानांतरण जो मूल आवेश जो है न्यूनतम आवेश जो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे जाता है वो एक ही है, इसको कहते हैं क्वांटमीकरण। तो आवेश का क्वांटमीकरण हमने किया वो किसके, किसी जो आपकी पूर्ण संख्या है उसके गुण ई के गुणक के रूप में जाता है, ई के पूर्ण गुणज के रूप में, जो पूर्ण संख्या है उसका ई का गुणा जो है वो वहां पर स्थानांतरित होता है। तो आवेश किसी पदार्थ पे आ जाएगा Q बराबर प्लस माइनस एन ई, ठीक है। इसका मतलब जो आपके पास पदार्थ पर आवेश आएगा वो प्लस माइनस एन ई इसलिए आएगा क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ तो आ जाएगा माइनस का आवेश इस पदार्थ पे एन ई, और इस पर कितना बचेगा, प्लस का एन ई,
ऑब्वियसली बात है, तो एन है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई है इलेक्ट्रॉन पे आवेश जिसको मूल आवेश बोलते हैं। मूल आवेश का मान होता है 1.6×10⁻¹ कूलम। आवेश का मात्रक कूलम है भाई, है ना। तो इसका मतलब मूल आवेश जो है उसका मान है 1.6×10⁻¹ कूलम। इतना आवेश ही एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे जाएगा। अच्छा अब एक और बात समझते हैं कि क्या सर E/3 कोई आवेश जा सकता है कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे? तो ध्यान दें E/3 2/3E है ना, 3/2E ये जो पदार्थ है पदार्थ पर ये जो आवेश है ये संभव नहीं है क्योंकि तो इनकी खोज अभी चल रही है। इनको बोलते हैं क्वार्क कण। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इनको बोलते हैं क्वार्क कण, और क्वार्क कणों की खोज नहीं हुई है इसलिए एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा उसमें सबसे न्यूनतम जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो सकता है वो है 1e। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं आवेशों का क्वांटमीकरण। अब इस पे इस जो आपका फॉर्मूला आया है इसमें न्यूमेरिकल बनते हैं तीन तरीके के। कितने तरीके के? तीन तरीके के, मैं आपको बताऊं। तो पहला ये है कि मान लीजिए किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए, यहां से यहां आए तो ये पूछ सकता है कि उस पदार्थ पे कितना आवेश आया, तो वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएगा कि 4 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। तो यहां हम लिख देंगे 4e, और e का मान आपको पता ही है 1.6×10⁻¹। ये रख के उस पदार्थ पे आवेश ज्ञात कर ले। या फिर ये कह देगा कि किसी पदार्थ पर मान लीजिए 4 कूलम आवेश आ रहा है स्थानांतरण से, तो ये पूछेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। इसका मतलब n का मान पूछ सकता है, बोलो नहीं क्या? हाँ जी, इसका मतलब या तो n का मान पूछेगा, n का मान पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन कितने स्थानांतरित हुए ये पूछेगा, या फिर ये पूछेगा कि पदार्थ जो है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन पदार्थ पर आवेश कितना है। तीसरा जो टाइप का क्वेश्चन बनता है वो ये है कि पदार्थ पर कोई भी आवेश दे देगा, जैसे आपको आवेश दे दिया इस तरह से दे दिया 4.8×10⁻¹⁸ कूलम। ये आवेश है किसी पदार्थ पर, आपसे पूछ लेगा कि बताओ ये पदार्थ पे आवेश संभव है या नहीं, तो फिर आपको क्या करना है? आपको n का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बेटा? n का मान। अगर n का मान 1, 2, 3, 4 इस तरह से अगर कोई संख्या मिलती है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मिलनी चाहिए, दशमलव में नहीं आना चाहिए मान, तो पदार्थ पर आवेश संभव होगा। तो इसको इसमें इसको जो आपका मान है ये यहाँ रख देंगे फॉर्मूले में, n का मान ज्ञात कर लेंगे, e बटे में चला जाएगा, e का मान ये है, देखेंगे चेक करके कि n का मान प्लस का आ रहा है, सॉरी संख्या आ रहा है या दशमलव में आ रहा है। अगर संख्या आ रहा है तो उस पदार्थ पर आवेश संभव है, और अगर संख्या नहीं आ रही है, पूर्ण संख्या नहीं आ रही है, ठीक है, अपूर्ण संख्या आ रही है तो फिर संभव नहीं है। करके बताना और मुझे कमेंट करना इसका आंसर क्या आया, शॉर्ट ले लो ये, ठीक है। क्यू बराबर 4.8×10⁻¹⁸ कूलम आवेश है, तो क्या किसी पदार्थ पे आवेश संभव है? तो आपको एन का मान ज्ञात करना है और चेक करना है कि एन का मान पूर्ण संख्या आ रही है कि नहीं। अगर पूर्ण संख्या आ रही है तो संभव है, वरना संभव नहीं है, और इसी को बोलते हैं आवेशों का क्वांटमीकरण। आगे चलते हैं भाई, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास आवेशों का क्वांटमीकरण। उसके बाद इस चैप्टर में अगर अपन देखें तो भाई हमने आवेश की उत्पत्ति पढ़ ली, फिर उसके बाद आवेशों के गुणधर्म पढ़ ली, अब आवेशों के बीच बल का मान ज्ञात करना सीखेंगे कि आवेशों के मध्य बल कितना होगा। तो भाई आवेशों के मध्य बल जो है वो ज्ञात किया था कूलाम नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए इसके इसे कूलाम का नियम भी कहते हैं, ठीक है। उस किताब वाले इसको कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? व्युत्क्रम वर्ग का नियम, क्योंकि व्युत्क्रम नियम की पालना करता है, ठीक है। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, इसकी थ्योरी को समझेंगे ध्यान से। कूलाम ने दो आवेशों के मध्य जो दो बिंदुवत आवेश, ये भी ध्यान रखना आवेश कैसे रहेंगे, बिंदुवत, दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल निकाला, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कूलाम का बल। तो भाई इन्होंने क्या किया, दो बिंदुवत आवेश लिए, वो धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी। मान लीजिए पहला बिंदुवत आवेश Q1 है और दूसरा जो बिंदुवत आवेश है वो Q2 है, और दोनों के जो बीच की दूरी है वो
मान लिया आर है, ठीक है। दोनों आवेशों के मध्य इसने बल्कि जो परिभाषा बनाई वो ये बनी इसमें कि भाई जो कूलाम का बल है वो मान लीजिए एफ बल दोनों के बीच लग रहा है, तो जो लगने वाला बल है दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, जो दोनों आवेश हैं उनके गुणनफल के। यानी कि एक बात और है यहाँ पे, परिमाणों के गुणनफल के, है ना, परिमाण लगा देंगे तो परिमाण का मतलब अगर ऋणात्मक है तो भी क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो दोनों आवेशों के जो परिमाण है उनके गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि जो आपके पास फोर्स बिटवीन टू चार्जेस जो है वो आपके पास क्या होगा, यहां से हम देख सकते हैं एफ का मान एफ समानुपाती हो जाएगा इन दोनों समीकरणों से, क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक नेतांक लगा देते हैं के, और इस के को बोलते हैं समानुपाती स्थिरांक या नेतांक। के क्या बोला जाता है बेटा, ये बोला जाता है स्थिरांक या नेतांक, समानुपाती स्थिरांक या नेतांक, ठीक है। अब बात करते हैं कि बल कैसी राशि है, बल सदिश राशि है। चित्र अभी पूरा नहीं बनाया मैंने, ये बल का मान बता दिया, परिभाषा से आ गए कूलाम की से कि दोनों आवेशों का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, उनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है कूलाम का बल। अब वो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी, ठीक है। और जब दोनों को मिला के लेकिन हम लिखते हैं क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो नेतांक लगा देते हैं के, के को बोलते हैं समानुपाती स्थिरांक या नेतांक। अब देखिए बल एक सदिश राशि है, अब थोड़ा सा सदिश को समझते हैं। जो बल है वो बल कैसी राशि है बेटा, बल एक सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो इसकी कोई ना कोई दिशा होगी। तो हम दिशा की बात कर ले तो अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो एक तो ये जो कूलाम का बल है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसी पे लगता है, इसी को बोलते हैं लाइन। जो कूलाम का बल है वो लाइन जॉइनिंग बल है, लाइन जॉइनिंग फोर्स है, क्योंकि ये दोनों को मिलाने वाली रेखा पर ही लगेगा। तो दोनों को मिलाने वाली रेखा ये हो गई साहब, इसको आगे बढ़ा दिया और इसको भी आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अगर प्रतिकर्षण बल है तो इसके द्वारा इस पे जो बल लगेगा क्यू टू आवेश द्वारा क्यू वन पे लगेगा, उसकी दिशा इधर हो गई, और क्यू वन द्वारा क्यू टू पे जो लगेगा उसकी दिशा इधर हो गई। इस बल को नाम दे देते हैं, क्यू टू पे लग रहा है तो इसको नाम दे देंगे एफ टू वन, ठीक है, और इस बल को क्या नाम दे देंगे एफ वन टू। इसका मतलब ये बल पे लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, टू पे, ठीक है। ये हो गई बल की दिशा। अगर आकर्षण होगा तो बेटा आकर्षण होगा, दोनों आकर्षित करेंगे तो ये इसको इधर आकर्षित करेगा और ये इसको इधर आकर्षित करेगा, तो ये आकर्षण होगा। इसका मतलब ये हो गया कि बल चाहे आकर्षण का हो कूलाम का चाहे प्रतिकर्षण का, दोनों स्थितियों में बलों की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है, ठीक है। एक बात ये ध्यान रखना, दूसरी ये है कि एक ही लाइन पर ये लाइन जॉइनिंग फोर्स है, यानी कि एक ही लाइन पे रहते हैं, ठीक। तीसरा अगर आप देखें इसकी मीट के हिसाब से, अगर आप कंपटीशन के हिसाब से देखें तो तीसरा जो पॉइंट है इसका वो मैं आपको बताऊं कि दोनों आवेशों के बीच अगर कोई तीसरा आवेश हम रख दे, मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्यू थ्री आवेश रख दिया, तो क्यू थ्री आवेश रखने से इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है उस बल पर इस तीसरे आवेश की उपस्थिति से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस बल का मान बदलने वाला नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया आपके पास कोई तीसरा आवेश अगर उपस्थित है तो इन दोनों आवेशों पर लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले भी 5 न्यूटन था तो ये आवेश आने के बाद भी 5 न्यूटन होगा, यानी कि इन दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं आएगी तीसरे आने से, नहीं। हाँ जी, आप देखते हैं आगे। समानुपाती स्थिरांक है जिसका जो मान है वो होता है 1/4πε0, इसको बोलते हैं 4πε0, क्या बोलते हैं 4πε0, ये कहलाता है εε0, एप्साइलॉन, ठीक है। और आंकिक मान होता है इसका 9×10⁻⁹, याद रखना है। और मात्रक आ जाएगा यहाँ से न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, यहाँ से के का सूत्र बना लो, के का सूत्र बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये आर स्क्वायर इधर आ जाएगा और क्यू वन क्यू टू नीचे चला जाएगा, तो बल का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर दूरी है वो
मोल बटे कूलाम इंटू कूलाम कूलाम स्क्वायर, तो मात्रा का जाए के का न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर करके देखना, कमेंट करके बताना सही आया कि नहीं। हाँ जी, उसके बाद देखो एप्साइलिन का मात्रा देखे तो एप्साइलिन जो जीरो है वो कहलाती है निर्वात की, पहले इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम है भाई निर्वात की विद्युतशीलता। क्या नाम है बेटा? निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, दूसरा यहाँ से समझते हैं कि जो एप्साइलिन जीरो है उसका मान होता है आंकिक मान 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12 और मात्रक उल्टा हो जाता है इसका कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्योंकि भाई उल्टा कैसे हो गया? क्योंकि ये इस के व्युत्क्रमानुपाती है एप्सिलॉन जीरो, तो मात्रक व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। अब एक और बात है कि भाई माध्यम अगर रखा हो दोनों आवेशों के मध्य तो फिर बल क्या होगा और बल का मान बदलेगा या नहीं बदलेगा, तो चेक कर लेते हैं। तो देखो आपके पास एक आवेश यहाँ था, एक आवेश यहाँ था और दोनों के बीच की दूरी r थी। ठीक है जी, और हमने रख दिया कोई भी स्लैब, माध्यम रख दिया कोई भी छड़ रख दी, है ना, और ये किसी की भी हो सकती, कांच की हो सकती है, ठीक है, कोई धातु की हो सकती है। धातु का तो देखो धातु का जो परावर्तन हुआ लगा है, कांच की मान लेते हैं ना, कांच की है, तो भी बल आएगा आपके पास F इज इक्वल टू, पहले ये देख लेते हैं कि जब माध्यम उपस्थित होता है, जब माध्यम उपस्थित होता है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, K का मान बदल जाता है जब माध्यम उपस्थित हो, तो K जो आपके पास था 1/4π एप्साइलन जीरो था, उसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा? एप्साइलन। माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है एप्साइलन, तो K का मान बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा, तो K की जगह हम क्या रखेंगे? 4π एप्साइलन, और एप्साइलन बोली जाती है, एप्साइलन बोला जाता है माध्यम की विद्युतशीलता। क्या बोली जाती है? माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, और एप्साइलन का मान होता है एप्साइलन बराबर एप्साइलन जीरो इंटू एप्साइलन आर, और इसी को हम बार बार उपयोग में लेते हैं, एप्साइलन उपयोग में नहीं लेते हैं, हम एप्साइलन की जगह डायरेक्ट मान रख देते हैं एप्साइलन जीरो इंटू एप्साइलन आर। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? देखो आपके पास बल आ जाएगा इस तरह से, तो पहले के का मान बदल लो, के का मान क्या बदला है यहाँ से, कि आपके पास आ गया के इज इक्वल टू 1/4π और एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर हो गया, ये एप्सिलॉन का मान ये रख दिया। एप्सिलॉन आर जो है उसको बोलते हैं बेटा निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सॉरी, आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं इसको, या परावैद्युतांक। एप्सिलॉन आर क्या है? परावैद्युतांक। क्या बोला जाता है बेटा? परावैद्युतांक। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा के का मान ये, इसका मतलब इस बल के जो फॉर्मूले में है क्या बदलाव आएगा माध्यम उपस्थित होने से, माध्यम के लिए इसको लिख देते हैं एफएम इज इक्वल टू आ जाएगा के, के का मान होता है 1/4π माध्यम के लिए एप्सिलॉन 0 इनटू एप्सिलॉन आर q1 इनटू q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इन ए और इस के का मान निर्वात के लिए, अगर ये निर्वात के लिए बल है एफ मान लेते हैं निर्वात के लिए, एयर के लिए तो इसका मान था 1/4π एप्सिलॉन 0, दोनों का अनुपात देखे तो fm अपॉन fa करें तो क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ से fm अपॉन fa करेंगे तो इसमें और इसका डिवाइडेशन करें 4π ε0 से, 4π ε0 कैंसिल, q1 इनटू q2 q अपॉन r स्क्वायर से कैंसिल, तो आपके पास आएगा सिंपल सी वैल्यू 1/εr। करके देखना इन दोनों का डिवाइड करके देखना, देखो ये आएगा क्या, तो यहाँ से आ जाएगा fm इज इक्वल टू FA into epsilon R। सही किया क्या? चेक करो। हाँ जी, ठीक है, तो ये 1/εr क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि निर्वात में और माध्यम में डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम हुई क्या? हाँ जी, हाँ ये है आपके पास अपॉन में है बेटा, सही है, अपॉन में है, ये अपॉन में है ना। हाँ जी, इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि माध्यम में जो बल है निर्वात के बल से कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन आर का भाग लग रहा है और एप्सिलॉन का मान कुछ ना कुछ तो होगा 2, 3, 4, 5 अलग अलग माध्यम के मान अलग अलग होंगे, तो माध्यम का अगर 2 का भाग देंगे निर्वात के बल में तो माध्यम का बल कम हो गया कि नहीं, इसका मतलब
माध्यम लगाने से दोनों आवेशों के मध्य जो बल लग रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला टॉपिक जो है कूलाम का जो नियम है उसका सदिश निरूपण कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो देखो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण देखो फटाफट, तो भाई यह आपन कर देते हैं इसका सदिश निरूपण। तो आपके पास है कूलाम नियम का, कूलाम नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, सदिश निरूपण करते हैं तो ध्यान से समझेंगे, ये कोई आपके पास एक्स वाई तल है, एक्स वाई तल में आपके पास दो आवेश रखे, ध्यान दें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा समझेंगे इसको। दो आवेश आपके पास, पहला Q1 है और दूसरा Q2 है, और ये एक्स वाई तल में रखे हैं, एक्स वाई प्लेन में है, ये मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट। यहाँ से जो आपका पहला आवेश है ये वाला, उसके लिए विस्थापन जो दूरी है वो R1 मान लेते हैं, और यहाँ से मान लेते हैं इसकी दूरी R2। ठीक है, मूल बिंदु से इसकी दूरी R1 और इसकी R2। अब देखिए यहाँ समझने की बात है कि इन दोनों पर मिलाने वाली जो रेखा है बल यहीं पर उपस्थित होगा, या तो आकर्षण का होगा या फिर प्रतिकर्षण का। तो दोनों विपरीत दिशा में मिलते हैं, हमने पढ़ लिया था। इसका मतलब Q1 द्वारा फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, Q1 द्वारा Q2 पे जो फोर्स लगेगा उसकी दिशा, उसका नाम होगा F21, और दो के द्वारा एक पे लगेगा उसका नाम होगा F12। मैंने आपको पहले भी बताया था ये 21 और 12 में कंफ्यूजन रहता है कई बच्चों को, तो मैं बता दूं कि आपने पढ़ाया है साइकिल फिजिक्स में भी पढ़ा है कि कोई प्रकाश किरण एक माध्यम में आती है दूसरे में जाती है, इसका अपवर्तनांक मान लीजिए निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 है, इसका n2 है, तो आपने इसको लिखा था, दोनों को मिला के लिखे तो इसको लिखा था n21। कैसे लिखा था बेटा, जहां प्रकाश किरण पहुंच रही है वो पहले लिखा जाता है, दो में पहुंच रही है, कहां से पहुंच रही है, एक से, तो दो एक लिखा था नहीं। इसलिए यहाँ पर भी ये है कि दो पे बल लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, एक के द्वारा, तो दो पहले जिस पे लग रहा है, कहां से लग रहा था, वन से लग रहा है, यहाँ पर वन पे लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, दो के द्वारा लग रहा है, तो वन टू। ठीक है ना, हाँ जी। अब यहाँ पे देखते हैं, हम बात करते हैं विस्थापन की, उस विस्थापन को हम लिखेंगे यहां से, अगर वन से टू की तरफ जाते हैं तो हम लिख देंगे आर वन टू, वन से टू की तरफ जा रहे हैं तो टू से वन की तरफ जाएंगे तो विस्थापन हो जाएगा आर टू वन। जब इस बल का उपयोग करेंगे तो ये विस्थापन उपयोग में ले लेंगे, और इसका उपयोग करेंगे तो ये वाला उपयोग में ले लें। अरे बोलो नहीं क्या। अब आपको कुछ सदिश के नियम बता देता हूँ फटाफट, आपको याद रखने हैं। एक सूत्र आपको याद रखना है कि आर कैप जो होता है एकांक सदिश, उसका मान होता है आर सदिश बटे आर सदिश का परिमाण। एकांक सदिश जो भी होता है उसका मान होता है, जैसे आर है, आर कैप बोलते हैं एकांक सदिश को, एकांक सदिश का मान होता है आर सदिश बटे आर सदिश का परिमाण। और एक बात और ध्यान दे लेना कि आर सदिश का जो परिमाण है वो ही आर होता है, और आर अदिश राशि है, यानी कि सदिश का जब भी परिमाण निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, अदिश। सदिश का जब भी परिमाण निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अदिश। यानी कि कहीं पर आर लिखा हो तो उसको आर सदिश का परिमाण लिख सकते हैं, और कहीं पर आर सदिश का परिमाण है उसको हम आर लिख सकते हैं। ठीक है, और जो इसमें एक मुख्य बात यह भी है कि अगर आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है आर टू वन सदिश, तो इसको हम लिखते हैं आर टू सदिश माइनस आर वन सदिश। ठीक है, ये इसमें काम आएंगे बेटा सूत्र, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से समझना है। तो अगर आर टू वन बराबर है आर टू माइनस आर वन, तो आर वन टू आपके पास आएगा R1 सदिश माइनस R2 सदिश। इन दोनों को देख के बताओ कि क्या फर्क है दोनों में, यहाँ R1 से R2 में जा रहा है, यहाँ R2 से R1 में जा रहा है, यानी कि ये विस्थापन है, तो यहां से यहां पहुंचा या फिर यहां से यहां पहुंचो, दोनों ही कंडीशन में विस्थापन तो बराबर है, केवल और केवल दिशा ही तो अलग है भाई, यहां से पहुंचेगा तो इधर जाएगा, इसकी दिशा इधर होगी विस्थापन की, यानी कि विस्थापन लगातार बढ़ रहा है, और यहां से चलेगा तो विस्थापन की दिशा ये होगी, इसका मतलब दिशा विपरीत है। इन दोनों को देख के इसका मतलब ये है कि भाई R21 जो सदिश है वो बराबर है R12 के, अगर हम चिन्ह कैसा लगा दें, माइनस का। माइनस का चिन्ह ये बताता है कि माइनस इनकी दिशा को बता रहा है, अगर यहां पर
माइनस लगा देते हैं तो आर टू वन बराबर हो जाता है आर वन टू के। बोले बात समझ में नहीं आई क्या? आ गई ना? हाँ, क्योंकि तो यहाँ पे देखो एक बात क्लियर है कि टू वन और वन टू में देखें तो अगर देखो एक जनरल बात करते आर वन का मान मान लीजिए 5 मीटर है और आर टू का मान 10 मीटर है जी, तो आर टू माइनस आर वन करेंगे तो 10 माइनस 5 लिखेंगे तो कितना आया 5। आर वन माइनस आर टू करेंगे तो हम लिख देंगे 5 माइनस 10 तो माइनस का 5, तो आ तो 5 ही रहा है। फर्क क्या है? यहाँ प्लस का 5 है और यहाँ माइनस का 5, ठीक है। इसका मतलब परिमाण तो समान है बस दिशा विपरीत है, इसलिए चिन्ह माइनस का आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि 5 और -5 बराबर है अगर यहाँ क्या लगा दें माइनस। बोलो नहीं क्या? माइनस लगाने से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 5 5 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब आर टू वन बराबर हो सकता है आर वन टू के अगर हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं माइनस। अरे बात सही, ये आपके कुछ सदिश के नियम मैंने बताए हैं, ये याद रखने हैं। अब हम बल निकाल देते हैं, यहाँ से बल आएगा एफ टू वन और जब सदिश निरूपण करते हैं सदिश का चिन्ह लगाएंगे और आपके पास आ जाएगा एफ टू वन इज इक्वल टू, निर्वात के लिए कैलकुलेट करें तो 4πε₀ एक का मान, कौन कौन से दो आवेश हैं Q1 और Q2, दूरी कितनी है, दूरी विस्थापन ले लेते हैं आर टू वन मोड स्क्वायर और यहाँ से आर टू वन का, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि आर टू वन क्यों लिखा सर आपने, यहाँ तो आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर था, सिंपल सिंपल आर स्क्वायर को आर सदिश मोड स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। और अगर ये आर टू वन स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा आर टू वन स्क्वायर, तो एफ टू वन है उसके लिए विस्थापन हम ले लेते हैं टू वन। ध्यान रहे कुछ बुक वाले इसको 1 2 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने 2 1 के लिए 2 1 लिया है और 1 2 के लिए 1 2 ले देंगे, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या डिफरेंस क्या आएगा? साइन का डिफरेंस आएगा, ठीक है। हाँ जी, इस कैप को क्या लिख सकते हैं हम? इस कैप को लिख सकते हैं आर कैप की वैल्यू है आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर मोड। अगर ये 2 1 है तो ये भी हो जाएगा 2 1 और ये भी हो जाएगा 2 1, तो वैल्यू क्या आने वाली है आपके पास? देखो एफ 2 1 सदिश इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε₀ Q1 इंटू Q2 अपॉन आपके पास आ जाएगा आर 2 1 सदिश मोड स्क्वायर और इसको हमने लिख दिया आर 2 1 कैप को आर 2 1 सदिश बटे आर 2 1 सदिश मोड इस आर 2 1 मोड ओनली, है ना। इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है स्क्वायर, तो वही बात क्लियर है। पावर्स ऑलवेज ऐड, घाते हमेशा जुड़ती, जुड़ेंगी तो क्या जाएगा बेटा आपके पास यहाँ से सुंदर सा रिजल्ट आने वाला है और वो है एफ 2 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε₀ Q1 इंटू Q2 और यहाँ से आ जाएगा पावर 3 हो जाएगी, तो आर 2 1 मोड पावर 3 इंटू आर 2 1 सदिश। चाहो तो आर 2 1 को क्या लिख सकते हैं? आर 2 माइनस आर 1, तो आपके पास आ जाएगा एफ 2 1 सदिश इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε₀ और यहाँ से आ जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन आर 2 सदिश माइनस आर 1 सदिश के मोड का क्यूब और यहाँ से आ जाएगा आर 2 सदिश माइनस आर 1 सदिश। ये आ गया आपके पास वह बल जो पहले आवेश द्वारा दूसरे पे लग रहा है, तो इसका सेम मान आएगा, वो आएगा एफ 1 2, सेम मान आएगा। सेम मान कैसे आएगा? क्योंकि भाई बल तो वही है, बल दोनों का वही है, है ना, तो मान सेम आएगा। तो देखो एफ 1 2 क्या आ जाएगा, एफ 1 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε₀ आवेश Q1 इंटू Q2, 1 2 के लिए विस्थापन आ जाएगा आर 1 2 सदिश मोड Q इंटू आर 1 2 आपके पास आ जाएगा सदिश, जिसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, एफ 1 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε₀ Q1 इंटू Q2 अपॉन आर 1 2, आर 1 2 को हम लिख सकते हैं आर 1 सदिश माइनस आर 2 सदिश मोड क्यूब इंटू आर 1 सदिश माइनस आर 2 सदिश, ठीक है। एक आपके पास मान आ गया, ये बल्कि आपके पास दो मान आ गए, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया,
दोनों को देखकर आप आइडिया लगाएंगे और देखिए इन दोनों में क्या समानता है और क्या भिन्नता है। तो देखें तो सब कुछ समान है, बस यहाँ पे 2n है और यहाँ पे 1,2 है। कहाँ कहाँ है? एक तो यहाँ पर f1,2 है, वहाँ f2,n। एक यहाँ r1-r2 है, वहाँ r2-r1। बस इतना सा फर्क। इसका मतलब ये हो गया, अभी मैंने बताया था कि r21 जो है वो बराबर हो सकता है अगर अपन माइनस लिख दें r12 को, ठीक है। इसका मतलब दोनों बल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ माइनस से गुणा कर देंगे तो ये दोनों बल बराबर हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं इसका मतलब F21 जो सदिश बल है वो बराबर होगा F12 सदिश के, अगर यहाँ क्या लगाते हैं माइनस, ठीक है। इसका मतलब जो ऋणात्मक चिन्ह है वो किसको बता रहा है? ऋणात्मक चिन्ह इसलिए आया है क्योंकि अगर 21 को 12 लिखना है तो यहाँ माइनस लगा दें। अब एक सुंदर सा रिजल्ट यहाँ निकल के आया कि दोनों बल जो है परिमाण में समान आ रहे हैं लेकिन दिशा क्या रही दोनों की? विपरीत। और ऐसा एक नियम है और वो है न्यूटन का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। इसका मतलब जितना बल हम किसी दीवार पर लगाते हैं दीवार भी उतना ही बल हमारे हाथ पर लगाएगी। तो यानी कि जितना आपके पास एक्शन फोर्स लगेगा उतना ही रिएक्शन फोर्स लगेगा, जितना आकर्षण बल है उतना ही प्रतिकर्षण बल है, या हम ये कह सकते हैं दोनों बल समान है परिमाण में, ठीक है जी। तो ये कहलाता है कूलॉम का सदिश निरूपण। फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास अध्यारोपण का सिद्धांत। उसके अभी चित्र को फटाफट समझते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत को। तो देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत आपके पास अध्यारोपण के सिद्धांत को चित्र से समझते हैं कि मान लीजिए कोई आपके पास चार्ज है Q0, चार्ज कितना है बेटा? Q0 चार्ज है। इस पर बहुत सारे चार्ज हैं, मान लीजिए एक चार्ज आपका यहाँ है Q1, इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, इसके उस फोर्स की जो वैल्यू है वो होगी F01, ठीक है। और इसका जो ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट होगा वो R1 है, लेट अस कंसीडर। दूसरा आपके पास चार्ज है Q2, उससे जो इस पे फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, जिसको नाम दे दिया हमने F02 फोर्स। ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है और ये आपके पास है R2 वेक्टर। फिर उसी तरह से यहाँ पर आपके पास है, यहाँ ले लेते हैं हम Q3 चार्ज जो कि R3 जो आपका ओरिजिन पॉइंट है उससे R3 डिस्टेंस पे XYZ एक्सिस ले लो इसको, है ना। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी और उस फोर्स का नाम होगा F03। फोर्स का नाम क्या होगा? F03। और N चार्ज है भाई इसमें, तो N चार्ज है तो ये N वा चार्ज ले लेते हैं Qn। इससे जो Q0 पे फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी F0N, ठीक है। तो इस तरह से एक चार्ज है उस पे बहुत सारे चार्ज उस प्लेन में आपके पास हैं, तो उन सभी चार्जेस द्वारा किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे जितना फोर्स लगता है वो ही कहलाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। जिसमें उन अगर हमें उस चार्ज पर टोटल फोर्स कंसीडर करना है तो टोटल जो फोर्स है सभी चार्जेस पे लगने वाला चार्जेस द्वारा उस चार्ज पे जो है लगने वाले जो फोर्स है उनके वेक्टर सम के इक्वल होगा। किसके साथ इक्वल होगा? वेक्टर सम, ठीक है। पहले चार्ज पर जो पहले चार्ज द्वारा Q0 पे जो फोर्स लग रहा है वो मान लिया F01 है, दूसरे द्वारा लग रहा है F02 है, तीसरे द्वारा F03 और nवें चार्ज द्वारा n, ठीक है। आप वैल्यू रखें तो आपके पास आ जाएगा F=F01 को लिख देंगे 4πε0 कौन-कौन से चार्ज है Q0 × Q1 और डिस्टेंस क्या है भाई? डिस्टेंस R01 ले लेते हैं इसकी, R01 वेक्टर क्यूब इंटू R01 वेक्टर। एंड सेकंड को लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 1/4πε0। चार्ज कौन कौन से हैं? 02 तो Q0 Q2 और इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा R02 वेक्टर मोड क्यूब और डायरेक्शन R02 वेक्टर और लास्ट लिख देते हैं प्लस डॉट डॉट करके और लास्ट आपके पास क्या है बेटा? 1/4πε0। कौन कौन से है? एक तो 0 और एक है n चार्ज अपॉन डिस्टेंस R0n क्यूब
आर जीरो एन वेक्टर, ठीक है। तो इसको कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या जाएगा इसमें, एफ इज इक्वल टू आपके पास जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो कॉमन, और एक टू जीरो कॉमन है सब में, तो यहाँ से आपके पास जाएगा क्यू वन अपॉन आर जीरो वन वेक्टर मोड क्यू इंटू आर जीरो वन एन प्लस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से क्यू टू अपॉन आर जीरो टू वेक्टर मोड क्यू आर जीरो टू, और लास्ट लिख देते हैं एन प्लस एन वन चार्ज के लिए क्या है क्यू एन अपॉन आर जीरो एन इंटू आर जीरो एन, बोलो नहीं क्या। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू क्यू नॉट अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और बहुत सारे चार्ज इस तरह से जुड़े हुए हैं तो इनको समेशन लगा के शो कर देते हैं, एड हो जाएंगे सारे, तो यहाँ ले लेते हैं i इक्वल टू वन टू n, और यहाँ आ जाएगा क्यू आई अपॉन आर जीरो आई वेक्टर मोड क्यू इंटू आर जीरो आई वेक्टर, ठीक है। समेशन लगाते हैं बहुत सारे n, n आपके पास वैल्यूज थी, n वैल्यूज को हम इस तरह से समेशन लगा के और शो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ समझने की बात यह है कि i की वैल्यू 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, जहां भी मैंने i लिया तो पहला पार्ट आ जाएगा आपके यहाँ, पहला पद आ जाएगा, n बराबर 2 लेंगे दूसरा पद आ जाएगा, n बराबर n लेंगे i बराबर n लेंगे तो n वा पद आ जाएगा, ये कहलाता है आपके पास अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत। फिर उसके बाद इस तरह से आपके पास ये हो जाता है, और फिर आ जाता है आपके पास विद्युत क्षेत्र, क्या आ जाता है विद्युत क्षेत्र। तो अगला जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो है आपके पास विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को समझते हैं बेटा, रुका हुआ आवेश था, रुका हुआ आवेश है ये, और रुके हुए आवेश के ये कोई आवेश है तो इसके देखा गया तो एक चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाता है, रुके हुए जो आवेश है उसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है, इस तरह से इसका क्षेत्र है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई भी टेस्ट चार्ज Q0 जिसको हम परीक्षण आवेश बोलते हैं, परीक्षण करने के काम आता है ये आवेश, और इसीलिए इसको नाम दिया हमने परीक्षण आवेश। क्या नाम दिया? परीक्षण आवेश। इसकी खासियत सुन लो, परीक्षण आवेश का स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, परीक्षण आवेश का स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। दूसरा कि ये हमेशा धनात्मक रहता है, और जो इसका मान है परीक्षण आवेश का परिमाण है वो इकाई होता है, एकांक होता है। ये देखो कोई आवेश है, इस आवेश ये परीक्षण आवेश जैसे इसके पास आएगा और इसके इस क्षेत्र में आ जाएगा तो ये आवेश इस पर एक बल लगाना प्रारंभ कर देगा जिसको हम बोलते हैं विद्युत बल, जो कि आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी। तो जहां पर ये बल लगाना, यहां पर जब था ये आवेश परीक्षण तो इस पे बल नहीं लगाया, लेकिन जैसे यहां पहुंचा तो इस आवेश ने, ये वाला जो आवेश है, इस आवेश ने इस पर बल लगाया, किस पर? परीक्षण आवेश पे। अब ये बल कौन सा लगा सकता है? ये आकर्षण का भी लगा सकता है और प्रतिकर्षण का भी। ये निर्भर करेगा कि ये जो आवेश है ये किस प्रकृति का है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये आवेश जैसे यहाँ इसके क्षेत्र में जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक बल लगेगा। इसका मतलब इस आवेश से कुछ दूरी पर इसका क्षेत्र है, इस आवेश का, इसका मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई परीक्षण आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण बल महसूस करता है उसे उस आवेश का क्या कहते हैं बेटा? विद्युत क्षेत्र। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा सिंपल सी रटने की कोई जरूरत नहीं। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा क्या हो गई कि कोई भी परीक्षण किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां परीक्षण आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण बल महसूस करता है उसे उस आवेश का क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। बात समझ में आई? ठीक है, अब बात आई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। विद्युत क्षेत्र को हम ध्यान रखना है, विद्युत क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं? E से, ठीक है। फिर बात आई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। किसकी बात आई बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी परिभाषा देखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है तो E सदिश से दर्शाते हैं इसको, और परिभाषा को समझते हैं। परिभाषा में थोड़ा सा बदलाव है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां परीक्षण आवेश जितना आकर्षण व प्रतिकर्षण बल महसूस करता है, जितना
आकर्षण का प्रतिकर्षण बल महसूस करता है और कौन महसूस कर रहा है, परीक्षण आवेश, तो उनका जो अनुपात है वो कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब ये हो गया कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई परीक्षण आवेश जितना आकर्षण का प्रतिकर्षण बल महसूस करता है उसे उस आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या इस परिभाषा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या करके कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां परीक्षण आवेश जितना आकर्षण और प्रतिकर्षण बल महसूस करता है और परीक्षण आवेश के अनुपात को उसका क्या कहेंगे हम, विद्युत क्षेत्र। मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या आ जाएगा बेटा इसका, न्यूटन पर कूलाम, क्योंकि फोर्स का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम, तो मात्रक आ जाएगा न्यूटन पर कूलाम। चाहो तो वीमा बना सकते हैं, उसकी वीमा क्या बनेगी, बल की वीमा m1 l1 t-2 और तो आवेश की वीमा होती है a1 t1, पढ़ लिया आपने। हाँ भाई, हल करेंगे तो आ जाएगा आपके पास m1 l1 t-3 a-1, ठीक है। तो इस तरह से इसकी वीमा बना सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, ठीक है। अब बात आ जाती है अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद बिंदु आवेश के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। बिंदु आवेश के कारण बहुत बार पूछा जाता है और आपको याद रखना है, बिंदु आवेश के कारण हम निकाल देते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है जी। तो मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है क्यू, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु Q0 रखा है, परीक्षण आवेश क्या रखा है बेटा, परीक्षण आवेश रखा है। ये परीक्षण आवेश जो है इसके कारण विद्युत, जो बिंदु आवेश उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, तो सबसे पहले विद्युत बल ज्ञात करेंगे, विद्युत बल क्या आ जाएगा। आप एक बात ध्यान दे लेना, आप धीरे धीरे श्रृंखला बनती चली जाएगी, क्यू है तो एफ है यानी विद्युत बल है, और विद्युत बल है तो विद्युत क्षेत्र है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र अगर आपको ज्ञात करना है तो पीछे आ जाओ, पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, विद्युत बल ज्ञात करना पड़ेगा, और विद्युत बल ज्ञात करना है तो आवेश पे आ जाओ, पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आवेश। तो विद्युत बल ज्ञात कर लेते हैं, फिर हम कहां पहुंच जाएंगे, विद्युत क्षेत्र में। तो विद्युत बल दो आवेश कौन कौन से हैं, तो विद्युत बल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0, पहला आवेश क्यू है, दूसरा Q0 है, और बीच की दूरी आपके पास है r, तो यहां से जाएगा बल r2। विद्युत बल आ गया, ये मान हम समीकरण इसमें इसको देते हैं, समीकरण एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें रख देते हैं, तो आपके पास आ जाता है E=1/4πε0 Q(Q0)r² एंड मल्टीप्लाई Q0 का डिवाइडेशन है 1/Q0, Q0 से Q0 कैंसिल, तो आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण आ जाती है 1/4πε0 Q/r² (n)। n किसको बता रहा है, एकांक सदिश को, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। तो इस तरह बिंदु आवेश के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो अगर तीव्रता ज्ञात करनी है तो हमें पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, विद्युत बल, ठीक है। अब बहुत सारे आवेशों द्वारा, एक टॉपिक और है इसमें, बहुल आवेशों द्वारा विद्युत क्षेत्र किसी एक पर्टिकुलर आवेश पर ज्ञात करना है, तो वो भी जैसे अपन ने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा सेम वैसे ही उसकी कैलकुलेशन है। कुल ई ज्ञात करना है तो कुल ई जो है उसका मान आ जाएगा आपके पास, ये जितने भी हैं सब जुड़ते चले जाते हैं और वहां जाते, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं, कई बार पूछा जाता है, दो तीन विशेषताएं पूछता है विद्युत बल रेखाओं की, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, ठीक है। तो भाई विद्युत बल रेखाएं इसको समझते हैं, तो विद्युत बल रेखाएं पहले परिभाषा देखें, तो देखो किसी विद्युत क्षेत्र में अगर कोई धनावेश रखते हैं, किसी भी विद्युत क्षेत्र में कोई धनावेश रखते हैं तो एक पथ का अनुसरण करता है, किसी ना किसी पथ में चलता है, और पथ में स्वतंत्र रूप से गति करता है, स्वतंत्र, ठीक है। तो इस ये विद्युत क्षेत्र में कोई भी धनावेश स्वतंत्र गति करता है, गति करते जो पथ का अनुसरण करता है या जिस पथ में वो चलता है, उस पथ से जो लाइन बनती है वो लाइन कहलाती है विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। ये तो वही बात हो गई कि हम गीले पैर करके कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में जो अपन पथ चिन्ह छोड़ते चले जाते हैं, वैसे ही आवेश जो है विद्युत क्षेत्र में जाता है,
तो पद चिन्ह छोड़ते हुए चला जाता है और जिस पद का अनुसरण करता है वो क्या बनाता है, विद्युत बल रेखा। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब विद्युत बल रेखाओं की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसमें पहली विशेषता है कि विद्युत बल रेखाएं जो है प्लस आवेश से तो उत्सर्जित होती है, या प्लस आवेश हम कहते हैं कि प्लस आवेश से उत्सर्जित होती है, ठीक है, और माइनस आवेश में प्रवेश करती है। माइनस आवेश में क्या करती है, प्रवेश करती है। क्या हम कह सकते हैं उत्सर्जित का मतलब, या निकलती है, प्लस आवेश से तो निकलती है और माइनस आवेश में प्रवेश करती है। ये पहला आपके पास पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट की बात करें तो विद्युत बल रेखाएं जो है वो एक ओपन लूप बनाती है, यानी कि खुला परिपथ, खुला वक्र है ना। विद्युत बल रेखाएं एक खुला वक्र बनाती है। कैसा वक्र बनाती है बेटा, खुला वक्र। खुला वक्र तो समझे, तो ये प्लस का आवेश है, ये माइनस का आवेश है, तो खुला वक्र हो गया कि नहीं है। इसका मतलब बंद वक्र कब होता है, जब जहां से चल रहा है वापस घूम करके वहीं आ जाए तो बंद वक्र हो जाता। तो विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती है, यानी यहाँ से निकलती है, यहाँ चली जाती है, लेकिन वापस यहाँ से नहीं आती, इसलिए ये खुला वक्र कहलाता है। जबकि चुंबकीय बल रेखाएं आगे आएगा फिजिक्स में अपने इसी में 12th में, तो वहां क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाएंगी, बंद ठीक है या खुला है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं, तो तीसरा पॉइंट है कि विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर, विद्युत जो बल रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती है। इसको समझते हैं कि मान लीजिए कोई विद्युत बल रेखा है, इसके इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचे, तो भाई ये स्पर्श रेखा हमने खींच दी, तो स्पर्श रेखा किसको बताएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। तो विद्युत जो बल रेखा है उसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो किसको बताती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चौथा पॉइंट देखें तो चौथा पॉइंट आपके पास आ जाता है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, कट क्यों नहीं करती, क्योंकि जो पॉइंट है, कटान बिंदु है, उस पर दो आपके पास स्पर्श रेखाएं मिलती है इस तरह से। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं मिल जाती है और दो दिशाएं कभी भी संभव नहीं है। इसका मतलब विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। ये चौथा पॉइंट हो गया विद्युत बल रेखा की विशेषता का। पांचवा पॉइंट देखें तो पांचवा पॉइंट ये है कि विद्युत बल रेखाएं जितनी सघन होंगी, पास पास होंगी, डेंसिटी ज्यादा होगी, तो वो वहां पर आपके पास जो क्षेत्र होगा विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। और छठे पॉइंट की इसी बात करें कि अगर वो दूर दूर रहेंगी, विरल रहेंगी, डेंसिटी कम है विद्युत बल रेखाओं की, तो विद्युत बल रेखाएं वहां पे होंगी, यहाँ प्रबल और वहां विद्युत क्षेत्र होगा दुर्बल। कैसा होगा बेटा, दुर्बल, ठीक है। इसका मतलब विद्युत बल रेखाएं प्रबल कब होंगी, जब पास पास रहेंगी, दुर्बल कब होंगी। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि अगर क्यू आवेश दो बल रेखा उत्पन्न कर रहा है तो टू क्यू कितनी करेगा बेटा, चार उत्पन्न करेगा, है कि नहीं। तो प्रबलता बढ़ती चली जाएगी, प्रबलता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इस तरह की विद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं थी।